हेलो हेलो गाइस, मुझे मिस क्यों, मुझे मिस किया तुम लोगों ने। तो भाई लोग स्वागत करते हैं हम सभी का हमारे स्ट्रीम पे। भाई लोग मेरे जो भी प्यारे प्यारे भाई स्ट्रीम पे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, आई बैक टू से दैट टू द प्रिंसिपल कि भाई जल्दी से स्ट्रीम को लाइक कर देना। भाई सिर्फ एक ही लाइक है, कंजूसी लाइक करने में कंजूसी। भाई एट वॉचिंग और एक लाइक यार, 8 लाइक्स तो होने चाहिए भाई। माँ कसम में 1 रुपया नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगता है किसी का भला करने में। कर दो मेरा, कर दो रे। तो भाई लोग स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनकोटिया वाईटी। तेरा भाई है तो ओके, कौन है मेरा भाई? कर दिया। अरे भाई भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी जान। भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल्स, यहाँ पे आखिरी डे, फाइनल डे यहाँ पे हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। भाई सब अर्श हमारे कह रहे हैं साहिल भाई सलाम सलाम करते हैं आपको भी मेरी जान। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, भांगड़ा पा दियो। टीम नदरी के प्लेयर देख सकते हैं समय हमारी स्क्रीन पे, और एक बार आपको प्लेन पर दिखा दूं जो कि जाता है सवर्ण से होता है सीधा मिलिट्री बेस की तरफ। और टीम्स यहां पे जंप करना स्टार्ट कर चुके हैं जी। यहां पे सभी टीम्स एक एक करके जंप करते नजर आ रहे हैं सवर्ण की तरफ, कुछ टीम्स जाते हुए नजर आएंगे। चलेंगे टीम नंबर 9 की तरफ। टीम नंबर 9 के प्लेयर यहां पे तेजी से बढ़ते हैं सवर्ण की तरफ, पूरी टीम कंप्लीट यहां पे देखने मिलेगी। भाई बस स्लॉट 11 TF को दिखाओ, बस सब फाइट कवर करो, एनलिस्ट हूं उनका। ओके स्लॉट 11 है ना, ओके मेरे जान। तो भाई लोग यहाँ पे सभी टीम्स को दिखाऊंगा, बट पहले देखो भाई 13 वॉचिंग आ रही और 2 लाइक्स, इतना दुख लग रहा है बेंचो मेरे को, प्लीज लाइक करो, लाइक कर दो नहीं तो मैं कुछ खतरनाक वाले डायलॉग्स मारूंगा। रुको सालों, तुमने लाइक नहीं करना ना। तो भाई लोग यहाँ पे जो भी समय स्ट्रीम पे, जल्दी से जल्दी स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हें तुम्हारी पर्सनल मोमी की कसम ले लो, पुदीना ले लो ना ले लो। तो यहाँ पे चलेंगे टीम नंबर 11 की तरफ। टीम नंबर 11 को दिखाने की काफी ज्यादा डिमांड हो रही है, टीम नंबर 11 के फैंस यहाँ पे पूरा बूस्ट अप करते हुए। टीम नंबर 11 जिंदाबाद जिंदाबाद, टीम नंबर 11 जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहाँ पे टीम नंबर 11 के प्लेयर्स के हो चुके हैं पैराशूट ओपन, जगमगाते हुए जुगनू वाले पैराशूट लेके, महंगे महंगे पैराशूट लेके यहाँ पे निकल चुके हैं अपने ड्रॉप लोकेशन की तरफ। टीम नंबर 11 के आसपास क्या कोई टीम नजर नहीं आ रही है? जी नहीं, इनके आसपास कोई ओ टीम देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे टीम नंबर 11 के प्लेयर आराम से लूट करेंगे, उसके बाद फाइट करेंगे। अबे इसकी मां की जय हो, टीयर नॉन्टेज उड़ाते ही काम शुरू कर दिया। बस भाई अबे कोई बोल सकता है क्या भाई टीम नंबर 11 के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए टीम नंबर 11 भाई। तो अबे चलेंगे टीम नंबर 20 की तरफ। टीम नंबर 20 की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं आ रही, एक प्लेयर अपना गवा चुके हैं। टीम नंबर 20 के खिलाड़ी देख सकते हैं, एक प्लेयर नॉक है, दूसरा प्लेयर फिनिश हो चुका है, आखिरी दो प्लेयर बचे हैं। टीम नंबर 20 और टीम नंबर 18 एक दूसरे की चड्डी भरते नजर आ रहे हैं। टीम नंबर 18 के भी एक प्लेयर को नॉक किया गया था, बट उस प्लेयर को रिवाइव दे दिया जाएगा। टीम नंबर 20 के प्लेयर यहां पे मुश्किल में नजर आ रहे हैं। फ्लेक्सी अबे मार मार भाई, गया भाई पिछवाड़े भी कौन मारता है यार, अबे पीठ पीछे हमला था सुना था, पिछवाड़े भी कौन मारता है। और इसी के साथ टीम नंबर 18 के द्वारा टीम नंबर 20 का एलिमिनेट किया जाएगा। देख सकते हैं नॉन्टे जॉर्ड, नॉन्टे जॉर्ड 1v3 कर चुका टीम नंबर 20 के अगेंस्ट। भाई अकेले ही संभाल दिया इस प्लेयर ने, काफी खतरनाक गेम प्ले। टीम नंबर 18 की तरफ से अच्छी शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत टीम नंबर 18 को, चुम्मा मेरी तरफ से, कल तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा मेरा चुम्मा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 16 वॉचिंग और सिर्फ 3 लाइक्स यार, भाई लाइक कर दो ना यार भाई प्लीज, भाई दिल से बुरा लगता है भाई। महाकाल की कृपा से लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए, तुम्हारे लिए ही करता हूं मैं कास्टिंग, मेहनत करके तुम्हारे लिए कास्टिंग करता हूं भाई। लाइक नहीं करोगे तो क्या होगा भाई मेरा? टीम एपेक्स का टीम नेम क्या है ये नहीं पता हमको, हमको ना ही पता। स्वयं पे चलना चाहेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ, चलेंगे नेक्स्ट टीम, देखना चाहूंगा कहां पे और फाइट हो रही है। यहां पे टीम नंबर 17 का एक खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुका है, लेट्स मूव टू टीम नंबर 17, लेट्स सी टीम नंबर 17 क्या कर रही है। टीम नंबर 17 की तरफ आ चुके हैं, उनका पीओवी आपकी स्क्रीन पे। टीम नंबर 17 वर्सेस टीम नंबर 15 यहां पे फाइट हो चुकी है स्टार्ट। ईएक्सई डेंजर ऑलरेडी एक प्लेयर को एलिमिनेट कर चुका है टीम नंबर 17 के सामने। मौली करेगी कोचिंग, मौली मार पिछवाड़ा जला दे, मौली मार मार। और यहां पे मौली तो की थी सही समय पे भागे। इमोर्टल ऋषु स्वागत करते हैं हम आपका स्ट्रीम पे, कैसे हो आप, खाना खा के जाना हो। टीम नंबर 15 वर्सेस टीम नंबर 17 और यहां पे स्लॉट नंबर 5 को भी दिखाने की बात हो रही है। सभी टीम्स को दिखाऊंगा, धीरज रखिए, धैर्य रखिए। हाउ आर यू? आई एम फाइन मेरे जान, आप बताइए कैसे हो। अगर सामने वाले ने हेडशॉट कनेक्ट कर दी तो आपकी चड्डी फट सकती है ब्रो, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आप लोग भी भाई लाइक्स पे ध्यान रखिएगा भाई, 15 वॉचिंग और 6 लाइक्स यार, यार भाई प्लीज, इसमें कौन से तुम्हारे पैसे लग रहे भाई? अपने भाई को सपोर्ट करने में भी तुम्हारी फट रही है यार, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा।
टीम नंबर 11 की तरफ चला जाएगा। टीम नंबर 11 यहां पे चड्डी फाड़ते हुए टीम नंबर 11 के प्लेयर अपनी चमचमाती हुई ग्लेशियर वाली एकेएम चलाते हैं। महंगे प्लेयर, अमीर प्लेयर, अंबानी के रिश्तेदार यहां पे हमारी जो मैचेस हैं वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। टीम नंबर 11 के प्लेयर यहां पे देखना वीकोपी एक फिनिश करने में कामयाब हो चुका है। किस प्लेयर का बे, एक महंगे भाई अंबानी साहब, रियल आईडी से आई अंबानी साहब। यहाँ पे टीम नंबर 11 के टीम नंबर 7 के खिलाड़ियों की वॉट लगाते हैं और यहाँ पे फीस किया जा रहा है भाई। माइक टाइसन बन चुके हैं, फीस कर करके मुक्के मार मार के यहाँ पे मुंह तोड़ के उस प्लेयर को एलिमिनेट किया गया। स्लॉट नंबर 5 को दिखा जाए, बिल्कुल दिखाएंगे। ले लो पुदीना, कर दो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं अभी यूट्यूबर बनना चाहता हूँ भाई, मदद करो, मेरी मदद करो। टीम नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं। टीम नंबर 5 के प्लेयर इस समय देखने को मिल रहे हैं जीरो फिनिशेस के साथ। बड़े यहाँ पे अच्छी खासी लूट इनके पास नजर आ रही है। देख सकते हैं हमारे विवेक जी हाथ में एकेएम और रैम4 का कॉम्बिनेशन लेके लेवल 2 की हेलमेट वेस्ट भी नजर आ रही है और यहाँ पे फाइट देखने मिलेगी। चलेंगे टीम नंबर 17 की तरफ। टीम नंबर 17 में आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ, तुम हेलमेट मत हो ना भाई, मत आ हो गई भाई ये क्या रे, गई भाई टीम नंबर 17 भी गई। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो जो टीम जिस समय एलिमिनेट हो चुका है, टीम नंबर 17, टीम नंबर 20, ये दो टीम जिस समय एलिमिनेट हो चुके हैं। और आप चलेंगे टीम नंबर 9 की तरफ। लेट्स मूव टू टीम नंबर 9। टीम नंबर 9 कहाँ हो तुम ब्रो? अरे भाई जोन तो दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगा, प्लीज ना लाइक करो यार। भाई यार हद है भाई, अब तो भाई हद ही होगी भाई, 20 वॉचिंग और 7 लाइक्स यार। भाई तुम्हें खुद बुरा नहीं लग रहा मेरे लिए यार, कितनी मेहनत से जी जान लगा के खून पसीने के साथ मैं कास्टिंग कर रहा हूं, कर दो ना यार। अबे सालों लाइक कर दो, रुको भाई तुम लोग सालों, मैं बोल रहा हूं हद से ज्यादा कमीने हो, रुक जाओ भाई। अभी मैं पूजा जी को बुलाता हूं, फिर वो तुम सालों लाइक करोगे, रुक जाओ। दिखा रहे भाई फर्स्ट लाइक करने वाला हूं, बिल्कुल दिखाता हूं, मैं थोड़ी देर वेट करना मेरे जान। तो अबे पूजा जी एक बार आओ यार, इनको बोलो कि लाइक करो सब्सक्राइब करो यार, आ जाइए पूजा जी, आइए भाई। डिले रखा नहीं का यार, रखा था मैंने भाई, बिल्कुल रखा है ब्रो। माँ की आंख अब यूट्यूब की, अगर डिले माँ की आंख अगर अभी डिले नहीं ना रखा, मैं बोल रहा मैं यूट्यूब के खिलाफ आंदोलन कर दूंगा, मैं सही बात बोल रहा हूँ। और ब्रो डिले की बात नहीं है, मैं साला मैप भी नहीं दिखा रहा हूँ भाई, ताकि कोई स्ट्रीम स्नाइप भी ना करे। और स्ट्रीम स्नाइप करने वाले के लिए मेरे लिए जो है, मेरी तरफ से एक कहावत है, एक लाइन है, चंद पंक्तियां सुनो। जो करे स्ट्रीम स्नाइप उसके साले के पिछवाड़े में दे दूंगा लोहे की पाइप, समझे। और यहां पे चलेंगे टीम नंबर 11 की तरफ। टीम नंबर 11 के पे फिर से यहां पे तबाही मचा, तो बड़े यहां पे आखिरी को टेक डाउन किया जाएगा। वीकोपी यहां पे डैमेज देते हुए मारता जंप, उछल के मार भाई पेल डालो। और यहाँ पे मॉली किसने की भाई, अपने प्लेयरों को जलाने की कोशिश, साजिश कर रहे हैं यहाँ पे टीम नंबर 11 के प्लेयर। अक्षय के बिछवाड़े में मॉली लगी हुई थी, मॉली से ही अपना प्लेयर जला दिया। अरे क्या किया, हमें तो अपनों ने लूटा, ग्यारों में कहाँ दम था, इनका प्लेयर मरा वहां जहां पे एनिमी कम था। वाह वाह बेंचो शेरो शायरी। सो टीम नंबर 11 अपनी यहां पे गलती के कारण अपना एक प्लेयर गवा चुके हैं। अक्षय यहां पे एलिमिनेट हो चुके हैं, अक्षय कुमार नहीं बन पाए हैं और उनको जो है लॉबी में जाना पड़ेगा। टीम नंबर 11 चार फिनिशेस कर चुके हैं, अच्छी शुरुआत टीम नंबर 11 की। चलना चाहेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ, यहां पे फिर से चलेंगे टीम नंबर 12 की तरफ। टीम नंबर 12 के प्लेयर जीरो फिनिशेस के साथ, इनके आसपास कोई टीम नजर आ रही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। समय 15 टीम्स और 56 प्लेयर इस समय सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, 18 वॉचिंग एंड 10 लाइक्स, प्लीज यार कर दो। रुको, मैं पूजा जी को बुला रहा था ना, रुको पूजा जी आना यार एक बार, प्लीज इनको लाइक करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जल्दी आइए। हेलो गाइस, प्लीज गाइस जो भी स्ट्रीम पे है, स्ट्रीम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, 3000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, तो प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करना प्लीज़। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस बाय। तो गाइस आपने अभी सुना पूजा जी क्या बोल रही थी, प्लीज यार मेरी नहीं तो एटलीस्ट पूजा जी की सुन लो यार। तो हमें टीम नंबर 12 के प्लेयर टीम नंबर 13 के काफी ज्यादा नजदीक है, टीम नंबर 13 के प्लेयर काफी दिखाने चाहूंगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं बिपाशा बैनर्जी, स्वागत करते हैं आपका स्ट्रीम पे। तो यहाँ पे चलेंगे टीम नंबर 14 आई गेस्ट, माफ कीजिएगा टीम नंबर 4 यहाँ पे देखने को मिल रही है फाइट करते हुए टीम नंबर 4 के प्लेयर। अरे भाई पिछवाड़े में गोल मिल रहे गोकू, अबे गोकू भाई काम है हमें मारना भाई, क्या हो गया भाई तुम्हारा, जब से जो है जो तुम्हारा राइटर था स्टोरी टेल, जो तुम्हारा स्टोरी राइटर था भाई वही तो चला गया यहाँ पे। और चिचा कैसे हो, हम बढ़िया, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं भाई। यहाँ पे देखा हमने गोकू की शक्तियां कम हो चुकी हैं,
जबकि जो हमारे जो राइटर थे जबका उनका देहांत हुआ, गोकू बेचारे पावरलेस हो चुके हैं और यहां पर टीम नंबर 4 अपने दो खिलाड़ी गवा चुके हैं और ये दोनों के दोनों प्लेयर इस समय जोन के बाहर। भाई कब जोन जाओगे, कब जोन जाना पसंद करोगे तुम लोग? टीम नंबर 4 के आसपास कौन सी टीम है इस समय? तो कोई टीम नजर नहीं आ रही, एक ही फिनिश किया नेक्सस के द्वारा। काफी ज्यादा खराब शुरुआत, अपने दो खिलाड़ी गवा दी और अभी भी काफी ज्यादा जो मैच बाकी है। सो लेट्स सी गाइस, लेट्स सी क्या आउटकम निकल गया टीम नंबर 4 का, क्या टीम नंबर 4 टॉप 10 में एंटर कर पाएगी। टीम नंबर 10 को दिखाने की बात हो रही है, लेट्स मूव टू टीम नंबर 10 नाउ। टीम नंबर 10 कहां पे हमारी टीम नंबर 10 कहां हो तुम, कहां हो तुम? टीम नंबर 10 की तरफ भी आ चुके हैं। टीम नंबर 10 भाई तू मैगी लो, मैगी बोलता है क्या 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 क्या, क्या? अरे कहना क्या चाहते हो मेरी जान, कहना क्या चाहते हो? बट हमें टीम नंबर 18 की तरफ चलना चाहेंगे। टीम नंबर 18 के प्लेयर नॉन्टे जॉर्ड, भाई तबाही मचाता हुआ, तबाही मचाता हुआ ये प्लेयर, काफी खतरनाक गेम प्ले समय टीम नंबर 18 की तरफ से। टीम नंबर 18 टीम नंबर 9 को पैन करेगा उसको। अच्छा यहाँ पे रिशु जी कह रहे हैं टीम नंबर 9 के नीतीश को जो पैन करेगा उसको 60 यूसी फ्री। स्लॉट 14 को भी दिखाने की बात हो रही है, सभी टीम्स को दिखाऊंगा बट वेट की जगह समय टीम नंबर 18 टीम नंबर 6 के साथ फाइट करते नजर आ रही है। एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा और यहाँ पे नॉन्टे जॉर्ड के ऊपर भी शॉट आएंगे, हर तरफ से शॉट आ रहे, भाई इस प्लेयर को रास्ता नहीं मिल रहा है, कहां जाए कहां ना जाए, छुपने की कोशिश करता हुआ स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन बन के यहाँ पे। कल स्ट्रीम में तूने मैगी को मैगी बोला था, अब उसको क्या बोलूं मैं, मैजी बोलूं, मैगी बोलूं, नूडल्स बोलूं, भाई क्या बोलूं, माफ करना भाई, दिल पे मत लेना, मां कसम आजकल के लोंडे इतने, मैं बोल रहा ना दिल पे ले लेते ना बात को, मजे मजे की स्ट्रीम ऐसे मौज मस्ती वाली स्ट्रीम को भी दिल पे ले भाई प्लीज। भाई गलती होगी भाई अगर मैंने किसी का गलत नाम लिया, भाई माफ करना भाई मेरे पे ऐसे मतलब कि कोई केस मत करते। तो बारे में टीम नंबर 4 भी गए भाई, टीम नंबर 4 भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, देख सकते हैं काफी ज्यादा तेजी पकड़ता हूं मैच। 14 टीम यहाँ पे सर्वाइव करते नजर आएंगी, 53 प्लेयर बाकी जो टीम है यहाँ पे समय एलिमिनेट हो चुके हैं। जैसे रेज होता है वैसे मेज होता है, ओ माई गॉड जैसे रेज होता है वैसे मेज होता है। ओके मैं समझ गया टीचर जैसा बोले। ओके गाइज मैंने कल गलती की उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज हमें माफ कीजिए और स्ट्रीम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, मैं पप्पी दे दूंगा सालों तुम्हें। चलेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ, टीम नंबर 18 के बाद चलना चाहेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ, टीम नंबर 15 का फाइट करिए। तक जीरो फिनिशिंग था मिलिट्री बेस में, यहाँ पे चुप चुप के देखते हुए स्टॉक करते, भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड खेल रही है सामने, छुप छुप के देख रहे हो, हाँ छुप छुप के देख रहे हो। चलेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ, टीम नंबर 6 के प्लेयर जीरो फिनिशिंग के साथ नजर आ रहे हैं और यहाँ पे अपना एक खिलाड़ी भी गवा चुके हैं समय। चलेंगे अब नेक्स्ट टीम नंबर 8 की तरफ चलेंगे, टीम नंबर 14 को। ओके लेट्स मूव टू टीम नंबर 14 नाउ। टीम नंबर 14 कहां हो ब्रदर्स तुम? टीम नंबर 14 प्लेयर यहां पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सोलो परफॉर्मेंस आई है समय। 4XM लियो जॉर्ड की तरफ से सोलो 3 फिनिशेस, बाकी की टीमेट यहां पे पूरा फोकस लूट पे करते नजर आ रहे हैं। टीम नंबर 14 प्लेयर निंजा बाबा जलवी बग्गी पे बैठे हुए, गोस्ट राइडर बनने का शौक है इनको। टीम नंबर 14 जोन में जाने की कोशिश करते हैं, क्या इनके आसपास सराउंडिंग में कुछ है? मेरी जान स्पार्टन ओजी मैं तुम्हें ना यूट्यूब स्टूडियो पे दिखाऊंगा, मैंने वहां पे यूट्यूब स्टूडियो से 1 मिनट का डिले रखा है ब्रो, बट अब पता नहीं यहां पे डिले क्यों नहीं हुआ, ये चीज है स्पार्टन ओजी। और भाई तुम ये चीज से मत ही बोलो कि स्ट्रीम स्नाइपिंग हो रही है, भाई मैप एक बार नहीं दिखाया, अब वो मेरी गलती नहीं, भाई तुम लोग मर रहे हो ठीक है। मैंने स्ट्रीम स्नाइप के लिए मैंने मैप एक बार भी नहीं दिखाया ठीक है, तो ये तो तुम मत ही बोलो कि प्लेयर अगर ढूंढ ढूंढ के मारने रहे, वो भाई वो बिल्कुल नहीं हो सकता, सीधी बात। टीम नंबर 14 के प्लेयर्स यहाँ पे देख सकते हैं 3 फिनिशेस के हैं, लियो जॉर्ड काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, 3 के 3 फिनिशेस इस अकेले खिलाड़ी द्वारा, बाकी के टीममेट्स शायद मेरे को लग रहा है प्लेयर जो पीछे चेयर लीडर की तरह चेयर कर रहे हैं, ये लेट्स गो लियो लेट्स गो। स्लॉट 6 को दिखाओ, स्लॉट 6 को दिखाने के लिए निकल पड़े हम, पी पी चलेंगे टीम नंबर 6 से, रहो टीम नंबर, अबे भाई चड्डी नाइस चड्डी ब्रो, ओ माय गॉड भाई साले यहाँ पे मेरे को ना कुछ तू गलत काम करवा देगा यार, ऐसे नॉटी मूड मत बना दे यार, अरे रुकना, नीली है सलवार नीला कच्छा है, टूं 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 टूं, इसको देख के मेरे को ये गाना याद आ गया। यहाँ पे टीम नंबर 6 के प्लेयर पूरा मजे लेते हुए चलेंगे टीम नंबर 9 की तरफ, लेट्स मूव टू टीम नंबर 9 अगेन, टीम नंबर 9 के प्लेयर जीरो फिनिशिंग के साथ और यहां पे 14 टीम सर्वाइव कर रहा है। अबे बग्गी कुदारी दी रे भाई, अबे पानी में बग्गी कुदा दी, भाई बोट चलती है पानी में, भैया बोट चलती है, बोट ये बग्गी है, डिफरेंस है ये 19-20 का डिफरेंस है, है ये 19-20 का डिफरेंस। तो भाई लोग यार बाकी की बातें बाद में यार, मेरी जान मेरे प्यारे, अबे यूट्यूब माफियों किसने पहला, एक और गया ओमेगा भी गया, आखिरी खिलाड़ी राज देसाई
भाई साहब राज देसाई क्या सर्वाइव कर पाएंगे? मौलिया तेरे सामने था टीम नंबर 16 प्लेयर एडवांस करते, राज देसाई आखिरी उम्मीद टीम नंबर 16 पूरा अग्रेशन दिखाते हो, टीम नंबर 19 का सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। क्या लगता है अकेला खिलाड़ी सर्वाइव कर पाएगा? राज देसाई, राज देसाई लेट गो ब्रो। ए मार, मार! अबे नहीं ऐसे कौन मारता है भाई, घुस घुस के कौन मारता है भाई, टीम नंबर 19 के साथ इतना बुरा। तो भाई लोग टीम नंबर 16 यहाँ पे तीन फिनिशेस कर चुके हैं, स्नाइपर जिन्होंने एक फिनिश किया हुआ भाई यहाँ पे देख सकते हैं, स्नाइपर के द्वारा एक फिनिश, फेक फॉक्सी के द्वारा एक फिनिश और शोगन के द्वारा एक फिनिश, इन तीनों प्लेयर ने एक एक फिनिश करके अपनी टीम को टोटल तीन फिनिशेस दिलवाए हुए हैं। सो टीम नंबर 16 फाइनली इनकी भी शुरुआत हो चुकी है तीन फिनिशेस के साथ, इनको जोन की तरफ जाना पड़ेगा। टीम नंबर 11 को दिखाओ, ओके मेरी जान, लेट्स मूव टू टीम नंबर 11। एंड गाइस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो मेरे प्यारे प्यारे भाई यार, प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज 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 यार स्ट्रीम को लाइक करो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ लाइक करोगे भाई, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना यूट्यूब उतना जो है जो लाइव स्ट्रीम को ना प्रमोट करता है यार, तो प्लीज यार प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज स्ट्रीम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स वगैरह करते रहो यार, ताकि YouTube को लगे हाँ भाई यहाँ पे ऑडियंस जो ऑडियंस रिटेंशन है अच्छा आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसकी वजह से जो ज्यादा प्रमोट करे स्ट्रीम को। तो प्लीज गाइस ये छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, आपके पैसे नहीं लगेंगे, और हाँ अगर पैसे वाली बात होती तो मैं ये चीज बोलता, अगर आप चाहो तो जो है कि अपने भाई को सुपर चैट करके सपोर्ट कर सकते हो, 110 MS किसका भाई किसका, मेरा आ रहा है क्या, फोन तो नहीं ना किया किसी ने, दो बार अरे नहीं 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 सयन दत्ता प्लीज ऐसा मत करो प्लीज, ये रूम का अच्छा अच्छा यार भाई एक चीज बोलूं तेरे को, BGMI के ग्लिच जो है ना, अब मेरे को ही ना बैन कर दे भाई क्या बोलूं, बट ये चीज है ना ये गेम इस टाइम इतना पैसा कमाने पे फोकस कर रहे ना भाई, गेम को कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, अच्छा जो एक बोलो ना कि एक अच्छा एक्सपीरियंस देने का कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ कमाई करनी है, जितनी बार वो गेम बैन हुई ना उनको पूरा पैसा पूरा करना है, महंगी महंगी गाड़ियां देके एक्स सूट देके बस यही चीज कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, बाढ़ में जाओ तुम लोग, उनको बस ये है कि बस हमारा पैसा पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे आ चुके टीम नंबर 16 प्लेयर, टीम नंबर 16 प्लेयर यहाँ पे टीम नंबर 13 का फाइट करते नजर आ रहे हैं, नेड करके आगे की तरफ बढ़ते हो, अगर यहाँ पे नेड एक्यूरेट होगा, नेड अगर एक्यूरेट हुआ तो वॉरियर क्या लग सकते हैं, ओके योर स्पाइक फ्रॉम स्लॉट नंबर 14 यहाँ पे वॉरियर को टेक डाउन किया जाएगा, वॉरियर यहाँ पे नॉक फिनिश हो जाएंगे, टीम नंबर 13 थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रहा है, टीम नंबर 13 के प्लेयर यहाँ पे एक प्लेयर को फिनिश किया जाएगा, दूसरा प्लेयर नॉक, आखिरी दो प्लेयर अबे नहीं सालों मत करो, अबे दो देखो मतलब कि जो है ऐसे करना, जैसे एक बार करो, तीन बार करो, पांच बार करो, इस टाइप से करना ठीक है ना, ये 2, 4, 6 ऐसे वाले मत करना। और यहां पे चलेंगे टीम नंबर 11 की तरफ, भाई लोग यहां पे टीम नंबर 11 के तेर क्या सलमान खान से गाड़ी सीख के आए क्या, स्टार लॉर्ड किसी ने तोड़ा है, यहां पे चलेंगे अब नेक्स्ट टीम की तरफ, टीम नंबर 5 की तरफ आ चुके, टीम नंबर 5 के प्लेयर अभी तक जीरो फिनिश के साथ, भाई कब खून खोलेगा तुम्हारा, एक तरफ टीम नंबर 18 भी फाइट करते नजर आ रही है, टीम नंबर 18 की तरफ भी जा चुका, टीम नंबर 18 की तरफ आ चुके, टीम नंबर 18 के प्लेयर यहां पे 8 फिनिशेस के साथ, टीम नंबर 15 के साथ मार आगे बढ़, देजिकल यूएम पिछला और यहां पे फिनिश किया जाएगा, टीम नंबर 15 गई पानी में, तो बाय बाय टीम नंबर 15, टीम नंबर 18 द्वारा उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा, 9 फिनिशेस करने टीम नंबर 18 ने, लाजवाब परफॉर्मेंस स्पेशली हमारे स्टार लॉर्ड के, 4 फिनिशेस हो चुके हैं, नॉन्टे जॉर्ज जिन्होंने 4 फिनिशेस किए थे स्टार्टिंग में अग्रेशन के साथ, बट वो प्लेयर लॉबी में जा चुके हैं, टीम नंबर 18 को भी नुकसान झेलना पड़ेगा, अपने 2 खिलाड़ी जा चुके हैं, तो टीम नंबर 18 के 2 प्लेयर बच्चों देखना चाहूंगा ये 2 प्लेयर मिलके कितनी दूर तक जा पाएंगे, इधर टीम नंबर 16 भी फाइट करते नजर आ रही है, फेक फॉक्सी को टेक डाउन किया जाएगा और नॉक करते ही मौली आ चुकी है इस एरिया में, और मौली लगी स्नाइपर के पिछवाड़े में, मौली लगी ब्रो, नेड करने की कोशिश करते हैं टीम, अबे नेड आया, गया स्नाइपर यहां पे स्नाइपर को भी टेक डाउन किया जाएगा, चिनमे ओपी के द्वारा एक्यूरेट नेड, और टीम नंबर 16 के प्लेयर स्नाइपर को नॉक करके अपने टीममेट को बचाने की कोशिश करेंगे, टीम नंबर 16 के आइकॉनिक एफपीपी गोड आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मेरी जान रिशु वेट करना थोड़ा सा, वेट करना इनकी फाइट दिखाता हूं मैं स्लॉट नंबर 9 दिखाता हूं, वेट करना मेरी जान, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे टीम नंबर 16 के खिलाड़ी, यहां पे आइकॉनिक एपीपी गोड इनकी भी पोजीशन रिवील हो चुके, नेड आया था एक्यूरेट डायरेक्शन में, थोड़ा सा फॉल बैक करना ही समय समझदारी मेरा काम रहेगा, राइट हैंड साइड से फ्लैंक करने की कोशिश करते चिनमे ओपी, आगे बढ़ने की कोशिश, भाई आपकी वॉइस सही नहीं आ रही है, कुछ इशू है क्या आज बेंचो, सॉरी यार अगर कुछ ऐसा हो तो, अबे साले अभी अभी स्ट्रीम कैंसिल हो गई थी भाई मेरी फट चुकी थी। सो टीम नंबर 16 यहां पे देख सकते हैं लास्ट प्लेयर सर्वाइव करता आइकॉनिक एफबीपी गोट, आखिरी प्लेयर सर्वाइव करता सामने टीम नंबर 13, एक काफी खतरनाक चुनौती
काफी खतरा यहाँ पे समय बना। आइकॉनिक अभी भी गोल, अबे मार दे। नहीं नहीं नहीं, टीम नंबर हमारी 16 जो की हो चुकी एलिमेंट और अब आखिरी 11 टीम बचे हैं। चलेंगे टीम नंबर 9 की तरफ। टीम नंबर 9 के प्लेयर्स कहां पे हैं? चलेंगे टीम नंबर 9 की तरफ। टीम नंबर 9 जीरो फिनिशिंग के साथ। भाई भाई मारो ना यार, मारो प्लीज। माइक थोड़ा बीटी दे रहा भाई। यार ये पता है तुम्हें भाई, माइक का कोई सीन नहीं है, ये माइक को कोई सीन है भाई। जब मैं टर्निप से करता था ना, तो टर्निप इतना प्यारा जो है रिस्पांस देता था, बट अब टर्निप भी बेकार ऐप हो चुके हैं, चल रहा नहीं है। तो अब ये जब से मैं यूट्यूब से कर रहा हूं, ये चीज मैंने खुद नोटिस किया, कुछ अजीब सी आवाज आती है यार मेरे माइक से। ये चीज मैंने नोटिस की भाई। अगर तुम कोई भी मेरी पुरानी स्ट्रीम देखोगे ना, वहां पे मेरी जो वॉइस क्वालिटी है ना, वो चीज चेक कर लेना। सो यहां पे टीम ना 90 पे रोटेट माइक क्रैकल कर रहा है बस। हां वही याद, मैं कुछ ज्यादा पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा हूं, पागल हो गया मैं। चलेंगे टीम ना 5 की तरफ। टीम ना 9 में रोटेट करते नजर आ रहे हैं पूरा राइट। अबे भाई सामने टीम ना 14 है, सामने टीम नंबर 14 नजर आ रही है, टीम ना 11 भी नजर आ रही है, 11 टीम अभी सर्वाइव करेंगे गाइस। ये रही हमारे सामने स्लॉट लिस्ट। अबे भाई क्या 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 बाबा, अबे भाई देख के, भाई देख के, भाई ये क्या टोक्यो ड्रिफ्ट चल रही है। तो विच ब्रांड हमारा है? बोट का, बोट का 650 का, 650 का। हमें टीम नंबर 9 के प्लेयर देख सकते हैं, मौत का झुके टक से वापस आए हैं, बट कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे? लगातार नीड मॉली करते नजर आए टीम नंबर 40 पर। ओ बेंचो मॉली की, देखो मॉली की बारिश कर दी भाई। टीम नंबर 9, टीम नंबर 14 के एक प्लेयर को नॉक फिनिश किया जाएगा। नीतीश के ऊपर भी शॉट जाए थे राइट हैंड साइड पे, बेबी गो पे गया भाई। क्रैबी गॉड, बेबी नहीं है भाई, क्रैबी गॉड है। और यहाँ पे टीम नंबर 11 उस चीज का फायदा उठाते हुए क्रैबी गॉड को फिनिश किया जाएगा लॉर्ड के द्वारा। देखते हैं गाइस, चारों दिशाओं में टीम्स ही टीम फैल चुके हैं, 11 टीम्स, काफी ज्यादा बड़ा नंबर। राज बीजे में TFF, ओके टीम नंबर 11 आई गेस, टीम जी हाँ TFF लास्ट प्लेयर यहाँ पे, लॉर्ड आखिरी प्लेयर, लॉर्ड 777। टीम नंबर 11 थोड़ी नहीं काफी ज्यादा मुश्किल में ब्रो, इनको पहले तो जोन में भी जाना पड़ेगा। टीम नंबर 11 को जोन में भी जाना पड़ेगा, 6 फिनिशेस की हैं, बट ये आखिरी खिलाड़ी है, आखिरी प्लेयर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहती है ब्रो जोन को पकड़ना, सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम इस समय। और अब चलना चाहेंगे टीम नंबर 13 की तरफ। आई गेस टीम नंबर 13 भी फाइट करे, टीम नंबर 13 भी अपने दो खिलाड़ी के बाद चुके, आखिरी दो प्लेयर बचे, क्या होगा? अब चलना चाहूंगा नेक्स्ट टीम जो है हमारे टीम नंबर 14। टीम नंबर 14 ने 6 फिनिशेस किए हैं, 2 प्लेयर अपने गवा चुके हैं और अब जो आखिरी प्लेयर बचे हैं, आई वांट रशियन भाई साहब कर लेगा ये सब। ओके लेट्स सी ये आखिरी प्लेयर क्या कमाल करके दिखाएगा। टीम नंबर 14 क्या है जोन में है? जोन में फिलहाल तो नहीं है समय टीम नंबर 14 पे। टीम नंबर 6 को दिखाओ। ओके ब्रदर लेट्स मूव टू टीम नंबर 6। टीम नंबर 6 भी यहां पे अपने दो प्लेयर गवा चुके हैं और अभी तक 0 फिनिशेस के साथ, बट एक एडवांटेज है इनके पास कि जोन में है तो इस चीज का फायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी टीम जोन के बाहर जाने की कोशिश करेगी उनको नॉक करेंगे। बट यहां पे मुश्किल और ज्यादा बढ़ते चले जा रही है। जी हां यहां पे एलेक्स को टेक डाउन किया जाएगा, स्मोक में एडजस्ट हुए खिलाड़ी, स्मोक में रैंडम शॉट कनेक्ट हुए और ये प्लेयर हो चुका है नॉक, बट मॉस्को उनको रिवाइव देने की कोशिश करते हैं, रिवाइव कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। तो भाई लोग यहां पे अब सर्कल दिखाऊंगा, सर्कल देखो बिल्कुल छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा जोन बन चुका है, हैकर के नुन्नू जितना सर्कल हो चुका है, छोटा सा सर्कल। आखिरी 11 टीम्स गाइस, आखिरी 11 नहीं भाई, एक और टीम एलिमिनेट हो चुकी है, टॉप 10 टीम हमारे सामने आ चुके हैं, टॉप 10 टीम्स। यहां पे फिर से स्टार्टिंग से दिखाएंगे, चल के टीम नंबर 3 की तरफ। टीम नंबर 3 का सोलो प्लेयर जोन के बाहर से रोटेट करता हुआ नजर आएगा, टीम नंबर 3 का एक खिलाड़ी राइट हैंड साइड से जाने की कोशिश, सामने टीम नंबर 12 भाई, क्या भाई स्पाइडर गया फाइट, अबे जी हाँ फाइनली गया भाई, काफी खराब एम था, पहले ही इनको एलिमिनेट कर देना चाहिए था, बट फाइनली टीम नंबर 12 ने एलिमिनेट कर दिया टीम नंबर 3 को। अब एक एक करके टीम जो है जो बाहर जाते नजर आएंगी। टीम नंबर 5 को दिखाओ। ओके टीम नंबर 5 ही हम फिलहाल तुम्हारी स्क्रीन पे, टीम नंबर 5 के द्वारा देख सकते हैं 3 फिनिशेस किए गए, 2 फिनिशेस वाइपर के द्वारा, 1 फिनिश स्टॉर्म के द्वारा, और अभी भी तलाश जारी है टीम नंबर 5 की। टीम नंबर 10 के सामने यहाँ पे जो है टीम नंबर 5 के द्वारा यहाँ पे एडीएस ओपन किया गया टीम नंबर 10 के ऊपर, और इनको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, जोन के आसपास है, लॉर्ड इन द जोन। ओके लेट मी चेक नाउ। ओ नहीं ब्रो अभी भी नहीं है, लगभग यहाँ पे 15 से 20 मीटर की दूरी पे है जोन से, और ये जो थोड़ी सी भी जो दूरी है भाई काफी ज्यादा दूरी महसूस होगी लास्ट के सर्कल में, जैसे जैसे करके ये जोन श्रिंक करेगा, जो लगभग 40 सेकंड्स के अंदर अंदर क्लोजिंग करने वाला है वो काफी ज्यादा दिक्कत देगा इस खिलाड़ी को।
एक बार लॉर्ड की तरफ देखेंगे, इनके जो प्लस पॉइंट है कि अभी तक आर्मर इनका डैमेज नहीं हुआ है, स्कारल है और शायद से एस्ट्रल के नजर आ जाए इनके पास, और स्मोक, अरे भाई स्मोक कम है इस प्लेयर के पास, सिर्फ एक ही स्मोक अभी नजर आ रहा है। चलेंगे नेक्स्ट खिलाड़ी की तरफ, टीम नोडल ने भी तीन फिनिशेस किए भाई लगातार, यहाँ पे फाइट पे फाइट हमें नजर आ रही है टीम नोडल के प्लेयर, यहाँ पे एक खिलाड़ी हो चुके नॉक, अपने टीममेट को बचाने की कोशिश करेंगे भाई साहब। टीम यहाँ पे जी जान लगा के मेहनत करते, जानते हैं ये आखिरी आज फाइनल डे है, फाइनल डे, और सभी टीम चाहेंगी कि ये फाइनल डे में अच्छा परफॉर्म करेंगे। टीम नंबर 14 अलाइव, लेट मी चेक ब्रदर, जी हाँ टीम नंबर 14 अलाइव है, दोनों खिलाड़ी यहाँ पे सर्वाइव करते नजर आएंगे, जो लियो जॉर्ड एंड देन आई वांट रशियन, इस प्लेयर को भाई इस मैच के बाद अगर उसने चिकन डिनर निकाला तो रशियन जरूर दिलवाने यार उसे। आगे बढ़ने की कोशिश अबे भाई टीम नंबर 9, ओ भाई साहब नीतीश भाई हीलिंग कर ले ब्रो, अबे लीजिए भाई टीम नंबर 14 ने इजी नॉक कर दिया यहां पे, आई वांट रशियन आखिरी प्लेयर टीम नंबर 14 का लास्ट प्लेयर सर्वाइव करता हुआ टॉप 16 भाई चारों दिशाओं में एकदम आसान युद्ध। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, रशियन वन वन लेने की कोशिश करेंगे, मार टीम नंबर 9 को भी हेलमेट के जगह, गाइस वी गॉट अवर टॉप 14 मार सामने आ चुके हैं, टीम नंबर 5, टीम नंबर 6, टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 14। अब इन चार टीम में से कोई एक टीम लेके जाएगी विनर चिकन डिनर, यानी कि कुकड़ू को लेके जाएगी भाई। सो टीम नंबर 14 सात फिनिशेस कर चुके हैं और लियो जॉर्ड को भी रिवाइवल दे दिया जाएगा। टीम नंबर 14 पर चलेंगे, टीम नंबर 10 के प्लेयर 5 फिनिशेस कर चुके हैं, यहां पे भी दो खिलाड़ी और यहां पे टीम नंबर 5 के प्लेयर को पिक किया जाएगा, एडमिरल या अदमिराल जो भी प्लेयर का नेम है, आई होप वैसे होप के भाई मेरे को लग ही रहा है मैं इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सो टीम नंबर 10 के प्लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक प्लेयर को नॉक किया, अगर यहाँ पे नीड एक एक्यूरेट हुआ तो टीम नंबर 5 के एल लग सकते हैं, बट यहाँ पे नीड नहीं हुआ एक्यूरेट। टीम नंबर 6, टीम नंबर 5, टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 14 भाई वाइपर अकेले काफी ज्यादा आगे जा चुके हैं टीम नंबर 14 के ऊपर, और स्वागत किया जाएगा लियो जॉर्ड के द्वारा। देख सकते हैं यहां पे एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा टीम नंबर 5 का, काफी अच्छे से स्वागत किया, बट यहां पे लियो जॉर्ड ज्यादा ऊपर ना जाए तो बेहतर रहेगा इनके लिए। टीम नंबर 14 अभी भी ये दोनों खिलाड़ी मिलके क्या ही अग्रेशन दिखाते हैं, सिनर्जी का प्रदर्शन करते हुए, और एक तरफ टीम नंबर 5 के इताची भी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। भाई लोग आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम विनर चिकन डिनर कर जाएगी, बट यहाँ पे टीम नंबर 10 के एडमिरल, यहाँ पे टीम नंबर 5 के प्लेयर नॉक फिनिश कर दिया जाएगा एडमिरल के द्वारा, और अब टीम नंबर 14 और टीम नंबर 5 के प्लेयर भी फाइट करते नजर आएंगे। टीम नंबर 14 लियो जॉर्ड नेट करेंगे, अगर नेट एक्यूरेट हुआ तो मजा ही आ जाएगा, नेट फट और गई भाई, गई टीम नंबर 4 और माफ कीजिए टीम नंबर 5 गई भाई, लियो जॉर्ड का वो प्यारा नेट, ओ भाई साहब टोटल 10 फिनिशेस, अब जो फाइट बचे 8 फिट में टीम नंबर 6, अब एक या दूसरा क्या एक ही स्प्रे में दो निपटा दिए भाई लियो जॉर्ड, ओ भाई साहब यू ब्यूटी लियो जॉर्ड यहां पे अकेले 7 फिनिशेस कर चुके हैं टोटल 12 फिनिशेस के साथ टीम नंबर 14, क्या लाजवाब परफॉर्मेंस, ओ भाई क्या ही खतरनाक परफॉर्मेंस किया लियो जॉर्ड ने, ओ भाई साहब भाई इस गेम प्ले के लिए लियो जॉर्ड के गेम प्ले के लिए भाई लाइक तो बनता है, 26 वॉचिंग है और सिर्फ 14 लाइक्स है, मेरे जान लाइक्स करने में कैसी कंजूसी यार, कर दो लाइक प्लीज मेरे जान, लाइक्स कर दो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी जान, प्लीज यार स्ट्रीम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, तो प्लीज मेरी जान मदद कीजिएगा, आपकी सपोर्ट के बिना भाई कुछ भी नहीं हूं, तो ये चीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सपोर्ट कीजिए मेरे को, मेरा एक सपना है मैं यूट्यूबर बनूं, 29 ईयर्स का बुड्ढा हो चुका हूं भाई, तो मेरी उम्मीद यही है, प्लीज मदद करो सालों। शाम पे टीम नंबर 14 के लियो जॉर्ड क्या ही प्यारा परफॉर्मेंस किया, देख सकते हैं गाइस टोटल जो है 12 फिनिशेस के साथ विनर चिकन डिनर लेके गया टीम नंबर 14। तो भाई लोग इसी के साथ हमारा पहला मैच होता है फिनिश, कुछ ही देर में हमारा सेकंड मैच भी होने वाला स्टार्ट, तो कहीं भी जाइएगा मत, वी विल बी राइट बैक।
तो भाई लोग स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे मैच के साथ वापस आ चुके हैं। इस बार हमें देखने को मिलेगा मीरामार मैप और यहाँ पे देख सकते हैं टीम नंबर थ्री के प्लेयर विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड तेजी से जंप करते हुए नजर आएंगे और तेजी से बढ़ते हुए अपने ड्रॉप लोकेशन की तरफ। तो यहाँ पे एक बार आपको प्लेन पाथ दिखा दूं, देख सकते हैं यहाँ पे कैंप मिलिटर से होता हुआ सीधा लॉस इगोस की तरफ और टीम जो है एक एक करके जंप करते हुए नजर आएंगी। टीम नंबर थ्री के बाद चलेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ, लेट्स मूव टू टीम नंबर फोर। एक बार टीम नंबर फोर का पीओवी दिखाएंगे। यहाँ पे अभी भी टीम नंबर फोर पायलट के साथ बातचीत करते हुए उनकी ड्राइविंग उनके जो प्लेन उड़ाने के अंदाज उसको एंजॉय करते हुए बैठे हुए इस समय अब फाइनली यहां पे जंप कर दिया जाएगा टीम नंबर 4 के द्वारा। कहते भाई काफी ज्यादा बातचीत होगी, अब चलते हैं गेम पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट टीम की तरफ चलेंगे। अब टीम नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं। टीम नंबर 5 के लिए यहां पे पैराशूट हो चुका ओपन। कैन के आसपास कोई टीम है जी नहीं, टीम नंबर 5 भी आराम से लूट करते नजर आएंगी। 81 वाईटी हाथ में मिल चुके एस्ट्रल के और अभी भी सामने स्कारल जी। हाँ यहाँ पे अच्छी खासी वेपन्स इनको मिल चुके हैं, क्लोज रेंज और लॉन्ग मीडियम सब रेंज के लिए स्कारल भी काम आएगी। वैसे अच्छी खासी लूट मिल चुका है। अब जो इनको तलाश रहेगी वो रहेगी लेवल 3 या 2 के आर्मर की। सो लेट्स सी क्या इनको अच्छी खासी लूट मिलेगी। यहाँ पे चलेंगे टीम नंबर 5 की तरफ। स्टॉर्म इस समय AKM मिल चुके हैं इनको भी। सो टीम नंबर 5 के बाद चला जाऊंगा नेक्स्ट टीम जो कि है टीम नंबर 6। टीम नंबर 6 से आ चुका। टीम नंबर 6 भी अभी तक देख सकते हैं पूरे के पूरे खिलाड़ी तो देखने मिल रहे हैं, बट क्या इनके आसपास कोई टीम है? जी हाँ, इनके आसपास हमें टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 13 भी नजर आ रही। सो लेट्स सी क्या फाइट देखने मिलेगी हमें। प्लेन पाथ तो बन चुका है, सर्कल भी बन चुका है, प्लेइंग सर्कल बन चुके देख सकते हैं। ज्यादा कुछ अभी टीम नजर नहीं आ रही है प्लेइंग सर्कल में। भाई एक सेकंड वेट करना तुम तब तक टीम नंबर 18 को देखो। एक मिनट वेट करना बस। तो भाई लोग आ चुका फिर से वापस। सॉरी भाई थोड़ा सा काम बढ़ गया था। और यहाँ पे देखते हैं टीम नंबर 18 और टीम नंबर 8 दोनों टीम एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक। टॉप एंगल से दिखाना चाहूंगा पिकार्डो का एरिया। अक्सर भाई साहब यहाँ पे काफी ज्यादा लंबे समय तक फाइट्स देखने मिलते हैं। अगर भाई यहाँ पे फाइट के दो ही यहाँ पे जो है रिजल्ट आते हैं, या तो फाइट एकदम से खत्म हो जाते हैं या फिर काफी ज्यादा लंबे समय तक चलती है। सो देखना चाहूंगा यहाँ पे क्या देखने मिलेगा टीम नंबर 18 और टीम नंबर 8 के बीच में। टीम नंबर 8 के प्लेयर एमएलई रेज इस समय दूर से जो है थोड़ा सा कवर देने की कोशिश करेंगे। एक बार उनका पीओवी देखना चाहूंगा। M4 मिल चुकी है यूएमपी के हाथ में, लेवल 2 के आर्मर तो अच्छी खासी लूट मिल चुकी है इस प्लेयर को। फाइट लेने के लिए रेडी हो चुका है खिलाड़ी और वही चीज जिसका मेरे को लग रहा था, शक था थोड़ा सा कि भाई हाँ दूर से एक अलग एंगल से कवर देने की कोशिश करेगा क्योंकि ये बिल्डिंग जो है सबसे ऊंची बिल्डिंग इस समय पिकार्ड होगी और अगर ये बिल्कुल रूफ पे जाते हैं तो काफी एक अच्छा कवर दे सकते हैं अपने टीममेट्स को। तो गाय मेरे प्यारे प्यारे भाइयों जो भी समय स्ट्रीम पे है प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जल्दी से स्ट्रीम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस जल्दी से मेरे जान। टीम नंबर 8 के प्लेयर्स इनकी तरफ चलेंगे। ES4 सोफी की समय लो HP का ज्यादा लो HP हो चुके थे, नेड आया था शायद इनके पास तो यहाँ पे जल्दी से हील अप करके फिर से फाइट लेने के लिए रेडी हो चुके हैं खिलाड़ी। हाथ में UMP DBS का कॉम्बिनेशन, लेवल 1 की हेलमेट है। अगर यहाँ पे लेवल 2 या लेवल 3 के इनको आर्मर मिल जाए तो काफी बेहतरीन रहेगा इनके लिए। तो आप चलेंगे टीम नंबर 18 के पीओवी की तरफ। स्टार लॉर्ड जिनके हाथ में ऑग और यूएमपी है। भाई ऑग इस समय ना, अभी तुमने ये चीज नोटिस की हो या ना की हो बट जो इस समय ऑग अपडेट के बाद जो इन्होंने ऑग को इंप्रूव किया भाई पूरी तरह से टक्कर देती है और किसी किसी मामलों में ना ये M4 से ऊपर है। सो टीम नंबर 18 के स्टार लॉर्ड इस समय ऑग और यूएमपी का कॉम्बिनेशन लेके आ चुके हैं। राइट हैंड साइड से जो है फ्लैंक करने की कोशिश, एक अलग एंगल बनाने की कोशिश जिससे अपने टीममेट्स को जो है एक ओपनिंग दिलवा पाए। सो लेट्स सी क्या स्टार लॉर्ड का ये लेफ्ट हैंड साइड से फ्लैंक जो किया हुआ इन्होंने क्या कामयाबी देगा इनको या फिर मुश्किलें क्रिएट करेगा इनके लिए। चलेंगे TR स्मूथ की तरफ जिनके हाथ में UMP और AKM का कॉम्बिनेशन। इनके पास भी लेवल 1 की हेलमेट नजर आ रही है बट भाई ये क्या UMP को छोड़ के Win 94 उठा लिया इन्होंने। लेट्स सी इसके साथ क्या कुछ कमाल करके दिखाएंगे। चलेंगे हनी की तरफ। हनी M4 और UMP के कॉम्बिनेशन के साथ फिलहाल तो ड्रिंक्स यहाँ पे ड्रिंक मशीन से निकालते हुए तो यहाँ पे ज्यादा समय ना जाया किए हुए चलेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ। लास्ट टीम से शो करना चाहूंगा।
सो लेट्स मूव टू टीम नंबर 20। टीम नंबर 20 इस बार सिर्फ तीन ही खिलाड़ियों के साथ पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। क्या एक प्लेयर की कमी महसूस हो पाएगी? फिलहाल तो हसियांदा में लूट करते नजर आएगी टीम नंबर 20 प्लेक्सिको, जिनके हाथ में M4 और UMP का कॉम्बिनेशन, लेवल 3 की वेस्ट और लेवल 2 की हेलमेट नजर आ रही है। तो भाई लोग यहाँ पे फाइट हो चुके स्टार्ट, फाइट हो चुके समय स्टार्ट। आई गेस मुश्किल में आ सकती थी टीम नंबर 6। सिड मोनॉक वाइटी अपने टीम को रिवाइव देने की कोशिश करते हैं, बट आप सभी को पता ही है जो 9 खिलाड़ी हम उनसे क्या पूछते हैं, आपकी डू इतनी ऊपर क्यों है, ये क्या कर रहे हो, और यहाँ पे इनको रिवाइव दे दिया जाएगा। बट इतने में टीम नंबर 13 भी एडवांस कर चुके हैं, यहाँ पे एडवांस कर चुके हैं टीम नंबर 13 का अग्रेशन के साथ बड़ा पुश यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल तो सिड मोनॉक वाइटी फाइट करते हुए नजर आएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश, मारो देजिकल 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 देजिकल, बट यहाँ पे टीम नंबर 6 थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे मुश्किल में, बट लेट्स सी कैसे रिकवर करेगी इस फाइट को। टीम नंबर 6 का एक खिलाड़ी नॉक है, टीम नंबर 13 का भी देखने जाएंगे, यहाँ पे भी एक खिलाड़ी इनका नॉक है, दो प्लेयर बचे हैं और टीम नंबर 6 मैन पावर का एडवांटेज है टीम नंबर 6 के पास। पिंक चड्डी वाले ओ, 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 ओ। सो यहाँ पे पिंक चड्डी को नॉक किया जाएगा, चलेंगे बाकी के टीमेट की तरफ। सिड मोनॉक वाइटी अभी भी टक्कर लेते हुए टीम नंबर 13 का भी देखना चाहूंगा, टीम नंबर 13 के आखिरी दो खिलाड़ी समय क्या सरवाइव कर पाएंगे। रूफ पे चढ़ने की कोशिश चिनमय के, अबे कहाँ भाई, और रिफ्लेक्स दे देगा, प्यारा रिफ्लेक्स यहाँ पे, रिफ्लेक्स पहले बिल्कुल भी लोकेशन नहीं पता थी, बट रिफ्लेक्स देके प्लेयर को डाउन किया जाएगा। आगे बढ़ने की कोशिश, संभल के रहना पड़ेगा, बट काफी ज्यादा ओपन में जो है क्राउड किया था उन्होंने। अब आखिरी खिलाड़ी आकाश, आखिरी प्लेयर, एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, उसी दौरान काफी ज्यादा डैमेज मिला प्लेयर को, थोड़ा संभल के रहे तो बेहतरीन रहेगा इनके लिए। इजी ब्रो, इजी ब्रो, इजी ब्रो, और यहाँ पे दूसरे प्लेयर को डाउन किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी से तो अपने आप को संभाल के सिचुएशन की जो पूरी एक बोलूंगा कि इंटेंसिटी उसको सोक के काफी प्रॉपर वे में फाइट करते नजर आएंगे टीम नंबर 6 के भी। शायद आखिरी खिलाड़ी हैं, आखिरी प्लेयर, आखिरी प्लेयर, और यहाँ पे टीम नंबर 13 के आकाश, ओ भाई साहब, टीम नंबर 13 के आकाश ओपी ओपी काम कर चुके हैं, 1v3 ब्रो अगेंस्ट टीम नंबर 6, आकाश ओपी तबाही मचा चुका है खिलाड़ी। टीम नंबर 13 की उम्मीदों को जिंदा रखता हूं अपने साथ आते प्लेयर, टीम नंबर 13 के आकाश ओपी इस 1v3 के लिए एक लाइक तो बनता ही गाइस, तो जल्दी से स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस क्या ही प्यारा परफॉर्म किया आकाश ओपी ने। चलना चाहूंगा टीम नंबर 11 की तरफ, लेट्स मूव टू टीम नंबर 11। टीम नंबर 11 की तरफ आ चुके हैं, टीम नंबर 11 के खिलाड़ी हमारी स्क्रीन पे, अभी तक 0 फिनिशर्स के साथ। चलेंगे टीम नंबर 4 की तरफ, टीम नंबर 4, अबे टीम नंबर 4 तो गई रे भाई, टीम नंबर 4 को एलिमिनेट किया जाएगा। टीम नंबर 17 ने उनकी वार्ड लगाई, एक बार चेक करना चाहूंगा टीम नंबर 17। जी हाँ, टीम नंबर 17 के रेज भी यहाँ पे शायद 1v3 निकाल चुके हैं, टीम नंबर 17 के रेज भी 1v3 निकाल चुके हैं, और यहाँ पे आप चलेंगे टीम नंबर 16 की तरफ। भाई काफी ज्यादा फाइट समय देखने मिलेगी, टीम नंबर 16 के प्लेयर आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं, फेक फॉक्सी लास्ट प्लेयर सर्वाइव करता है सामने टीम नंबर 3, क्या सरवाइव कर पाएगा, क्या सरवाइव कर पाएगा, अभी तक 0 फिनिशर्स के साथ अपने टीममेट को बचाने की क्या कोशिश करेगा, मुश्किल है इस प्लेयर का बचना। आगे बढ़ने की कोशिश, यूएमपी का फायदा उठाना पड़ेगा और फायदा उठाएंगे, ज्यादा बुलेट स्प्रेड नहीं होता यूएमपी को, इसी कारण फायदा उठाए और एलिमिनेट किया जाएगा। टीम नंबर 16 के फेक फॉक्सी को भी मिल चुके हैं 2 फिनिशेस, और 2 फिनिशेस आए हैं हमारे स्नाइपर के अकाउंट में, तो टोटल 4 फिनिशेस के साथ टीम नंबर 16 भी एक कदम और आगे की तरफ बढ़ाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों प्लीज यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा यार, स्ट्रीम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई मदद करो यार, चैनल मोनेटाइज करने में मदद करो यार, कुछ कमाऊं इस चैनल से ताकि अपने भाइयों के लिए फ्यूचर में जो एक रॉयल पास का गिव अवे रख पाऊं, जितनी औकात होगी भाई उस हिसाब से ही मैं गिव अवे रख पाऊंगा, तो प्लीज मदद कीजिएगा। अब चलना चाहेंगे टीम नंबर 11, आई गेस टीम नंबर, जी हाँ टीम नंबर 11, अभी टीम नंबर 11 है, टीम नंबर 14 है, स्मूथ किस टीम में, माफ कीजिएगा, टीम नंबर 18 यहाँ पे फाइट करी, टीम नंबर 18 की फाइट हो चुकी है स्टार्ट, एक प्लेयर ऑलरेडी अपना गवा चुके हैं, ज्यादा अच्छी स्टार्ट नहीं मिली यहाँ पे टीम नंबर 18 के, नॉन्टे जॉट किल कंफर्म करेंगे टीम नंबर 18 वर्सेस टीम नंबर 8, दोनों टीम्स के 3 खिलाड़ी हैं, बट यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा प्लेयर नॉक पड़ा हुआ टीम नंबर 8 का, इस हिसाब से 2 प्लेयर बचे हैं टीम नंबर 8 के और टीम नंबर 18 के 3 खिलाड़ी। अबे एक प्लेयर क्या दूसरा पे नहीं, फ्री फायर में ब्रो स्मूथ यहाँ पे अगर फ्री फायर को कैरी रखते तो शायद एक ही स्प्रे में दोनों प्लेयर्स को डाउन कर सकते थे,
हनी ब्रो क्या कर रहे हो, जाओ ना आगे। और अब नॉट ए जॉट भी अपने टीम को बचाने की कोशिश करेंगे, बट नहीं ब्रो लेट हो चुके हैं, काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। एक और प्लेयर गवाए गए टीम नंबर 18 के खिलाड़ी, आखिरी दो प्लेयर नॉट ए जॉट राइट हैंड साइड से थोड़ा सा एक अलग एंगल बनाने की कोशिश करते। अगर इनके पास एक नेड होता तो शायद नॉक निकाल सकते, एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, दूसरे प्लेयर को भी डाउन कर सकते थे। रेज की तरफ चलेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल ये प्लेयर लिटरली डॉट एच भी बचा था, अगर एक और शॉट कनेक्ट होते इजिली डाउन किया जा सकता, बट इसी दौरान इस प्लेयर ने हील कर लिया, फर्स्ट एड किट यूज कर लिया, डीबीएस पकड़ के ये प्लेयर आगे जाने की कोशिश करेगा। बट इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि रेज के पास लेवल 2 की जो वेस्ट है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, हेलमेट इस प्लेयर के पास बिल्कुल भी नहीं, अगर शॉट कनेक्ट हुई हेड पे तो भाई इजीली ये प्लेयर हेलमेट होने वाला है। MLE रेज लास्ट प्लेयर, आखिरी उम्मीद, डीबीएस और नहीं ब्रो लीजिए टीम नंबर 8 को फाइनली हेलमेट किया जाएगा टीम नंबर 18 के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके टीम यहाँ पे हेलमेट होते नजर आ रही है, 13 टीम सर्वाइव करते हुए नजर आएंगी और 40 प्लेयर इस लॉबी में एक दूसरे की चड्डी फाड़ते हुए नजर आएंगे। चलेंगे हम नेक्स्ट टीम की तरफ जो है हमारी टीम नंबर 19, टीम नंबर 19 जीरो फिनिशेस के साथ चलेंगे नेक्स्ट टीम, टीम नंबर अबे भाई यहाँ पे टीम नंबर 11 आई गेस फाइट करना स्टार्ट कर चुके हैं, टीम नंबर 11 यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर चुके हैं, एक प्लेयर अपना गवा चुकी है, दूसरा प्लेयर नॉक, ज्यादा अच्छी स्टार्ट नहीं हुई है, बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं हुई है टीम नंबर 11 की, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा होगा कुछ ऐसा फेस करने को मिलेगा टीम नंबर 11 को। पिछला मैच काफी ज्यादा बेहतरीन खेला था बट इस बार सिचुएशंस कुछ और, वीक ओपी और अक्षय ये दो आखिरी प्लेयर बचे हैं, अक्षय का पीओवी देखना चाहूंगा, अक्षय कहां पे, अक्षय एक डिफरेंट एंगल पे समय काफी ज्यादा नजदीक सबसे क्लोज पहुंच चुके हैं अक्षय, टीम नंबर 15 को क्या चीज का पता है, अक्षय यहां पे एक सरप्राइज अटैक दे सकते हैं अगर नेड हो अक्षय के पास, एक बार चेक करना, नेड नहीं है इस प्लेयर के पास, इस खिलाड़ी के पास अगर नेड होता तो शायद टीम नंबर 15 के लिए दिक्कत हो सकती थी। और यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन दिया, तो डाउन किया जाएगा अक्षय के द्वारा, सरप्राइज अटैक और ये फ्लैंक, ये एक एंगल, ये जो डाउन रीच पे था एक खिलाड़ी काफी ज्यादा एक एडवांटेज दे सकता है, एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, एफएक्स स्टार आगे बढ़ने की कोशिश जो कि बिल्कुल लो एचपी है, अक्षय इस खिलाड़ी को इजिली डाउन कर सकता है, अगर एम चोक ना करे तो इजिली डाउन किया जा सकता है। अबे भाई क्या कर रहा है अक्षय ब्रो, क्या किया यार, मौका गवाया और समय डॉट एचपी सामने वाला खिलाड़ी इजली टेक डाउन किया जाएगा वीक ओपी के द्वारा, फिनिश करेंगे क्या, फिनिश कंफर्म किया जाएगा, फिर से वापस कवर में जाने की कोशिश, सामने से टीम नंबर 15 का प्लेयर आने की कोशिश, कुचलने की कोशिश और यहां पे गाड़ी को पार्क करके इजली टीम नंबर 11 कलमेट किया जाएगा, 1v3 कर चुके हैं हमारे एफएक्स स्टार भाई, काफी ज्यादा 1v3 देखने मिल रहे हैं इस मैच में। सो टीम नंबर 15 देख सकते हैं गाइस, तीन फिनिशेस ये माफ कीजिएगा तीन सोलो फिनिशेस यानी कि 1v3 कर चुके हैं हमारे एफएक्स स्टार भी। सो टीम नंबर 15 चार फिनिशेस करके ये टीम भी आगे की तरफ बढ़ेगी, सिर्फ दो खिलाड़ी बचे हैं, दो प्लेयर ये भी अपने गवा चुके हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, आगे का सफर काफी ज्यादा टफ रहने वाला इनके लिए। चलेंगे टीम नंबर 10 की तरफ, टीम नंबर 10 इस बार सिर्फ दो ही खिलाड़ी के साथ पार्टिसिपेट करते नजर आ रहे हैं, बाकी ये दो प्लेयर्स कहां रहेंगे ब्रो, टीम नंबर 10 दो प्लेयर्स अभी तक जीरो फिनिशेस के साथ, क्या इनके आसपास की सराउंडिंग्स में कोई है, जी नहीं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। चलेंगे टीम नंबर 13 की तरफ, यहाँ पे आकाश ओपी जिन्होंने 1v3 करके हमें इंप्रेस किया था, काफी प्यारा 1v3 निकाला था इस प्लेयर ने, और अब इनको जोन में जाना पड़ेगा, एक फुल मेड किट नजर आ रही है, 5 फर्स्ट एड किट भी नजर आ रही है, तो यहाँ पे अगर ये जोन लेट भी जाए तो चलेगा ब्रो। अब चलना चाहूंगा नेक्स्ट टीम की तरफ, चलेंगे टीम नंबर 14 की तरफ, टीम नंबर 14 की तरफ आज टीम नंबर 14 भी अभी थोड़ा सा धीमे, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट यहां पे देखने को मिलेगी टीम नंबर 14 के द्वारा, ज्यादा अग्रेशन कुछ देखने को नहीं मिलेगी, पहले जो पिछले मैच में जो पहला मैच था वहां पे काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो देखना चाहूंगा इस बार कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला टीम नंबर 14 का, बट पिछली बार के जो इनके टॉप परफॉर्मर थे इस बार इस मैच में वो नजर नहीं आ रहे कहीं पे भी। Now let's move to our next team की तरफ चलना चाहेंगे, टीम नंबर 17 यहाँ पे इन्होंने भी टोटल 4 फिनिशेस किए हैं, सोलो रेज यहाँ पे सोलो जो 3 फिनिशेस किए रेज के द्वारा, तो टीम नंबर 17 को भी अब थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि मैन पावर थोड़ी सी इनकी कम हो चुकी है, 12 टीम्स अभी भी सर्वाइव करते हैं, तो यहाँ पे गाइस डिटेल देख सकते हैं जो जो टीम सर्वाइव कर रही है और जो जो टीम इस समय एलिमिनेट हो चुकी है, सारी की सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पे। तो भाई लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी समय स्ट्रीम पे है प्लीज स्ट्रीम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मदद करो। टीम नंबर 17 के नजदीक हमें टीम नंबर 19 नजर आ रही है, टीम नंबर 19 अब तक जीरो फिनिशेस के साथ, ये टीम भी बिल्कुल संभल के खेलते हुए,
तो भाई लोग जो भी अगर इस स्ट्रीम पे इस चैनल पे नहीं, आप सभी को बता दूं यहाँ पे 3 दिन की ये टूर्नामेंट थी और आज ये तीसरा दिन यानी कि फाइनल डे है। सो लेट्स सी कौन सी टीम इस टूर्नामेंट को लेके जाएगी, जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट चल रही है हमारे बीच में। टीम नंबर 19 के सामने निशाने पे रेडार पे टीम नंबर 17 के प्लेयर हमें देखने के, टीम नंबर 19 के प्लेयर मादरा यहाँ पे शायद लेट के स्प्रे देने की कोशिश करेंगे। चलेंगे अब नेक्स्ट टीम, भाई एक सेकंड वेट करना एक सेकंड। और भाई यहां पे टीम नंबर 19 के एक्स्ट्रॉन को ही टेक डाउन किया जाएगा, टीम नंबर 17 भी जान देती है कि सामने हिल पे टीम नंबर 19 मौजूद है। यहां पे देख सकते हैं एक्स्ट्रॉन को ही टेक डाउन किया जाएगा, टीम नंबर 17 का भी दिखाएंगे। देख सकते हैं काफी ज्यादा दूर से स्प्रे दिया था, प्यारा स्प्रे। टीम नंबर 19 के जो खिलाड़ी नॉक हुए इनको क्या रिवाइवल मिल पाएगा, बट यहाँ पे चलेंगे टीम नंबर 19 की तरफ फिर से वापस, शायद इनको रिवाइव मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे रिवाइव दे दिया जाएगा, ज्यादा कुछ दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलेंगे अब टीम नंबर 19 की तरफ, माफ कीजिए टीम नंबर 9 की तरफ। क्या टीम नंबर 9 के आसपास कोई टीम है? जी नहीं, बिल्कुल भी मौजूद नहीं है समय। और आप चलेंगे टीम नंबर 20 की तरफ, टीम नंबर 20 के आसपास टीम नंबर 19, टीम नंबर 17 यानी कि टीम नंबर 20 उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पे खतरे से भरा हुआ काम यहाँ पे करते हुए नजर आएंगे टीम नंबर 20, जोखिम भरा काम। बग्गी और माफ कीजिएगा यहाँ पे जो उनकी व्हीकल है, और भाई साहब मिराडो में तहस नहस कर दिया, मिराडो को तहस नहस कर दिया। टीम नंबर 20 पूरी की पूरी टीम एक ही दम में, एक ही चुटकियों में यहाँ पे हेलमेट कर दी जाएगी। यूट्यूब माफिया शायद से फिनिश उठा चुके हैं, 3 फिनिशेस आए हैं YouTube माफिया को। भाई टीम नंबर 20 का ये गलत मूव काफी महंगा पड़ा उनको, टीम नंबर 20 काफी ज्यादा इजीली एलिमिनेट हो चुकी है टीम नंबर 19 और टीम नंबर 17 के बीच में मार जिस टीम ने खाई है वो है टीम नंबर 20। सो एक बार टीम नंबर 17 का भी दिखाना चाहूंगा, टीम नंबर 17 भी आ चुके, थोड़े डीप में आ चुके हैं, यहां पे आके वेट कर रहे हैं। बट इनको जोन जाना चाहिए समय, जी हाँ जोन जाना चाहिए इनको, एक अच्छी लोकेशन को अगर होल्ड करते हैं तो बेहतरीन रहेगा इनके लिए। भाई स्ट्रीम ओके चल रही है, कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा ना? एक बार वेट करना यार, मेरे को खुद ही चेक करना। हेलो, क्या स्ट्रीम ठीक चल रही है? क्या सीन है इसका? पता नहीं क्या सीन है, कोई मैसेज भी नहीं शो कर रहा है, पता नहीं क्या कुछ ग्लिच हो गया क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा ब्रो। फिर भी एक बार वेट करना कुछ। तो यहाँ पे टीम नंबर 17 दो खिलाड़ी इनके बचे हुए हैं, जिसमें से रेज सोलो 3 फिनिशेस कर चुके हैं, टोटल 4 फिनिशेस किए हैं इस टीम ने। टीम नंबर 17 के बाद चलना चाहूंगा टीम नंबर 11 की तरफ। क्या टीम नंबर 11? जी नहीं, वो एलिमिनेट हो चुकी थी, माफ कीजिएगा, टीम नंबर 11 को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चलेंगे अब टीम नंबर 5 की तरफ, बट यहाँ पे फाइट होते नजर आएगी, आई गेस टीम नंबर 14 फाइट करेगी। जी हाँ, टीम नंबर 14 फाइट करते नजर आएगी, क्रैबी गॉड को टेक डाउन किया जाएगा। टीम नंबर 14 के आखिरी 3 प्लेयर बचे हैं, क्रैबी गॉड क्या रिवाइव हो पाएंगे? इनके नजदीकी टीम है उनको जो रिवाइव देता नजर आ रहा है। टीम नंबर 12 के साथ फाइट हो रही है गेस, जी हाँ टीम नंबर 12 के पास हाइट का एडवांटेज, एक हाई हिल पे मौजूद टीम नंबर 12 के प्लेयर्स। टीम नंबर 12 का पीओवी दिखाना चाहेंगे आपको एक बार, टीम नंबर 12 के पीओवी की तरफ चलना चाहेंगे। ट्रू लेजेंड गामी या गेमी जो भी इस प्लेयर का नेम है, यहाँ पे इन प्लेयर ने नॉक निकाला था, बिल्कुल एक हाइट का एडवांटेज लिया था और इजी नॉक निकाला था टीम ऑफ 14 के खिलाड़ी को, पर टीम ऑफ 14 के क्रैबी गॉड रिवाइव हो चुके हैं समय। टीम नंबर 12 वर्सेस टीम नंबर 14। तो भाई एक बार आपको जोन दिखा दें, ये रहा जोन, बिल्कुल छोटा सा हो चुका है जोन, मैक्सिमम टीम जोन में एंटर कर चुके हैं। चला जाएंगे टीम ऑफ 15, टीम ऑफ 15 यहाँ पे देख सकते हैं जोन में मौजूद, और इनके आसपास हमें जो टीम्स नजर आ रही है टीम नंबर 18, टीम नंबर 14 और टीम नंबर 5, यानी कि 3 टीम्स इनके एरिया के आसपास हमें नजर आ रही हैं। चलेंगे टीम नंबर 18 के पीओवी की तरफ, हनी यहाँ पे आखिरी उम्मीद अपनी टीम की। भाई पीछे देखना पड़ेगा, पीछे से टीम एंटर करते और यहाँ पे मैक्स ओपी को स्पॉट कर लिया जाएगा, मैक्स ओपी को स्पॉट किया जाएगा। हनी
खुशकिस्मत रहे कि जल्दी से स्पॉट किया, नहीं तो पीछे से बैक स्टेप करके टीम में बैठी हेलमेट हो सकती थी। बट अब मैक्स ओपी को दिक्कत है क्योंकि उस प्लेयर को भी निकलना पड़ेगा। मैक्स ओपी की तरफ आ चुके हैं, मैक्स ओपी का पीओवी ये रहा था, दोनों खिलाड़ी अपनी टीम के आखिरी प्लेयर बचे हैं। मैक्स ओपी और सामने टीम नंबर 18 के हनी। सो लेट्स सी इन दोनों प्लेयर में से कौन सा प्लेयर सही सलामत यहां से निकलेगा। जोन में जाना पड़ेगा मैक्स ओपी को, जोन में जाना पड़ेगा और शायद हनी समय जोन में एक बार हनी का पीओवी देखना चाहूंगा। जी हाँ, जोन में है ये प्लेयर और मैक्स ओपी जोन में एंटर करने की कोशिश करेंगे। लगभग 30 मीटर की दूरी पे समय जोन से टीम नंबर 10 का खिलाड़ी मैक्स ओपी हील करना पड़ेगा। ज्यादा हीलिंग भी नहीं है इस प्लेयर के पास, जल्दी से राइट हैंड साइड से जोन में घुसने की कोशिश करनी पड़ेगी। सामने टीम नंबर 5 भी आ गया यहाँ पे। अबे भाई टीम नंबर 5 भी है और टीम नंबर 18 के खिलाड़ी हनी उनको जल्दी से हेलमेट कर देंगे। जी हाँ, यहाँ पे हनी एक और फिनिश अपने अकाउंट में ऐड करते हुए नजर आएंगे। चलेंगे टीम नंबर 18 के हनी के पीओवी की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पे 3 फिनिशेस कर लिए इस प्लेयर ने, इंपॉर्टेंट फिनिशेस करता है खिलाड़ी और हनी अपनी टीम को टॉप 10 में लेके आ चुका है खिलाड़ी। सो गाइस यहाँ पे 19 लाइक्स हैं यार, एक लाइक और कर दो, 20 लाइक्स तो कर ही दो यार, कर दो भाई, कर दो ना यार, कर दो यार प्लीज कर दो। अब चलना चाहूंगा टीम नंबर 14 तरफ। टीम नंबर 14 भी फाइट करते नजर आएंगी। लेट्स मूव टू टीम नंबर 14। टीम नंबर 14 के आई वांट रशियन यहां पे फाइनली एक फिनिश कर चुके हैं। टीम नंबर 14 आसपास काफी ज्यादा टीम धीरे धीरे करके एंटर करते नजर आएंगे। कुछ खिलाड़ी तो यहां पे गिर गिर के मरे भाई। अबे ये क्या था, टीम नंबर 18 का खिलाड़ी भाई खुद ही गिर के फिनिश हो चुके ब्रो, ये क्या देख लियो। ओ भाई साहब, चलेंगे अब नेक्स्ट टीम की तरफ। नीतीश यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन करेंगे। नीतीश की तरफ आ चुके हैं टीम नंबर 9 का एक खिलाड़ी, पहला फिनिश अपने अकाउंट में ऐड कर लिया। स्लो स्टार्ट थोड़ी सी टीम नंबर 9 की तरफ से। टीम नंबर 9 के सामने टीम नंबर 14, यानी कि काफी ज्यादा टीम इस एरिया में। एंड गाइस प्लीज प्लीज मेरी जान हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्ट्रीम को लाइक कर दो यार। 19 लाइक्स है, एक लाइक की और कमी है, 20 लाइक्स को कंप्लीट कर दो। माधुरा को भी टेक डाउन किया जाएगा भाई। टीम नंबर 19 भी गई, टीम नंबर 19 भी गई ब्रो। अब यहां पे और ज्यादा तेजी पकड़ दो मैच, टीम नंबर 19 को भी एलिमिनेट किया जाएगा। चलेंगे टीम नंबर 15 तक। टीम नंबर 15 पे यहां पे 6 फिनिशेस कर चुके हैं। सामने टीम नंबर 16 एक प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा। ईएक्सजी 20 ओपी 2 फिनिशेस कर चुके हैं, 4 फिनिशेस स्टार के द्वारा। टीम नंबर 15 ये दोनों खिलाड़ी मिलकर काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, बट इनके ऊपर लगातार शॉट्स आते हैं टीम नंबर 5 की तरफ से। टीम नंबर 5 स्पॉट कर चुके हैं ऑलरेडी इस प्लेयर्स को। टीम नंबर 5 जोन में मौजूद, टीम नंबर 5 को माफ कीजिए, टीम नंबर 15 जोन में मौजूद है। टीम नंबर 5 के प्लेयर अभी प्रॉपर जोन में देखने को नहीं मिल रहे और यहां पे एक तरफ देखने को मिलेगी टीम नंबर 9 क्या। टीम नंबर 9 जोन में है, आई गेस जोन में है, जी हाँ बिल्कुल जोन में है। उसके बाद टीम नंबर 16 और टीम नंबर 13 भी नजर आ रही है। स्नाइपर को क्या टेक डाउन किया गया? जी हाँ, स्नाइपर इस समय नॉक पड़े और शायद इस प्लेयर का बचना नामुमकिन है। फेक फ्राइडे और यहां पे स्ट्रॉन्ग को टेक डाउन किया जाएगा। वापस चलेंगे टीम नंबर 5 के पीओवी की तरफ। स्ट्रॉन्ग को टेक डाउन किया जाएगा और इस प्लेयर को क्या रिवाइव दिया जाएगा? रिवाइव क्या मिल पाएगा इस खिलाड़ी को? स्मोक किया जा रहा है अपने टीम को बचाने की कोशिश। हर तरफ अब और ज्यादा तेजी से फाइट्स होते नजर आएंगी, चारों दिशाओं में फाइट्स होते नजर आएंगी। टॉप एंगल दिखाएंगे टीम नंबर 13, सामने टीम नंबर 16 एक तरफ, टीम नंबर 15, हर एक एरिया में फाइट होते नजर आएंगे। गाइस वी गॉट अवर टॉप 16 नाउ एंड हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई 20 लाइक्स तो कर दो यार, प्लीज लाइक कर दीजिए, स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहां पे टीम नंबर 9 के प्लेयर मुगीवारा राजा एक प्लेयर को डाउन करते हुए नजर आएंगे। टॉप 16 भाई, टॉप 16 और शायद से टीम नंबर 16 को एलिमिनेट किया जाएगा। लेट मी चेक, लेट मी कंफर्म दैट। जी नहीं, एक खिलाड़ी आखिरी प्लेयर बचा हुआ है। थैंक्स मेरी जान, थैंक यू सो मच जिसने भी लाइक किया स्ट्रीम को यार, दिल से शुक्रिया। सो टीम नंबर 16 के अब आखिरी प्लेयर बचे हैं फेक फॉक्सी। टोटल 4 फिनिशेस हैं स्ट्रीम के। टीम नंबर 16 पर चलेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ। टीम नंबर 15 के कितने फिनिशेस हैं? 7 फिनिशेस हैं स्ट्रीम के। क्या जोन इन पे है? जी नहीं, जोन शिफ्ट कर चुका है, हार्ड शिफ्ट आ चुका है जोन का। और यहां पे जोन में टीम नंबर 14 नजर आ रही है, बट एक खिलाड़ी जो जोन के बाहर था उसको रिवाइव दे दिया जाएगा। जोन के बाहर नॉक पड़ा था प्लेयर, जल्दी से जोन में जाना पड़ेगा, जल्दी से हील कर ब्रो। टीम नंबर 14 के पास एक एडवांटेज जो है वो एडवांटेज देख सकते हैं, मैन पावर का एडवांटेज। अब तक एक भी प्लेयर गवाया नहीं है टीम ने। आई वांट रशियन फ्रंट फुट पे जाके 3 फिनिशेस करते हुए फ्रंट में जाके फाइट करता है खिलाड़ी। टीम नंबर 14 वर्सेस टीम नंबर 9 देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हर एक एंगल पे फाइट देखने को मिलेगा, कोई भी टीम सेफ नहीं है, बिल्कुल ओपन जोन है ब्रो, बिल्कुल ओपन जोन है। जो भी टीम अगर फाइट ले भाई, मेरा यही सजेशन रहेगा, स्मोक करके अपने एंगल्स कवर करके फाइट लीजिए, क्योंकि कहीं से भी पड़ सकते हैं इस समय।
आखिरी पांच टीम्स गाइस, टीम नंबर फाइव मुश्किल में एक बार टीम नंबर फाइव के पीओवी की तरफ चलना चाहेंगे, क्या सरवाइव करेगी? नहीं करेगी। टीम नंबर फाइव की तरफ आया ही था, अरे नहीं बचा, बचा एक खिलाड़ी बचा, वाइपर यहाँ पे लास्ट प्लेयर बचा है और लगातार नेट जाते हुए लगातार नेट की बरसात कर दी गई टीम नंबर फाइव के खिलाड़ी के ऊपर, बट वाइपर हमने यहाँ पे किया नेट, स्पाइक ओजी का बेहतरीन नेट और इसी का एक नेट से दो निशाने बने हैं। टीम नंबर फाइव को एलिमिनेट किया जाएगा स्पाइक ओजी का ओजी नेट। टीम नंबर 14 आठ फिनिशेस कर चुके हैं और एक भी प्लेयर अभी तक गवाया नहीं है टीम ने। सो मेरे को तो लग रहा है ब्रो टीम नंबर 14 शायद से, मेरी प्रेडिक्शन ये है शायद टीम नंबर 14 विनर चिकन डिनर लेके जा सकती है। मैन पावर का एडवांटेज है, जोन में जाना है बस, वो एक दिक्कत भरा काम है, बट अगर जोन कैप्चर कर लेती है तो भाई फिर तो उनको चिकन डिनर चाहिए चाहिए। अगर नहीं इन्होंने लिया ना चिकन डिनर भाई फिर क्या, नेक्स्ट में ट्राई करना और क्या कर सकते हैं। चलेंगे टीम नंबर 9 की तरफ, नीतीश द्वारा एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, रैंडम शॉट्स कनेक्ट होते हुए टीम नंबर 15 की तरफ, 20 पीस हमें नॉक पड़े हुए हैं, क्या बच पाएगा ये खिलाड़ी बने यहाँ पे? मूवी द्वारा राजा को टेक डाउन किया जाएगा, बाबा के द्वारा बाबा का बाबा वाला नेट एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा और लीजिए भाई बाबा 1v3 कर चुके ब्रो, दो खिलाड़ी को डाउन किया नेट से, उसके बाद टीम नंबर 9 के लास्ट प्लेयर को यूएमपी से ट्रेस करके फिनिश किया जाएगा। अब जो फाइट बची है टीम नंबर 14 और टीम नंबर 15 के बीच में, और देख सकते हैं टीम नंबर 14 और चिकन डिनर के बीच में सिर्फ एक ही टीम इस समय खड़ी हुई है, वो है टीम नंबर 15। क्या टीम नंबर 15 रोक पाएगी? और भाई साहब टीम नंबर 15 मुश्किल में है, आखिरी प्लेयर 20 ओपी लेवल 2 की वेस्ट पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। सामने से टीम नंबर 14 एडवांस करते हुए, क्या बैक टू बैक विनर चिकन डिनर लेके जाएंगे? 20 ओपी मुश्किल में ओ भाई साहब टीम नंबर 14 के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए टीम नंबर 14, तो भाई लोग यहां पे टीम नंबर 14 ले चुकी है विनर चिकन डिनर। कितने फिनिशेस के साथ? 13 फिनिशेस के साथ इस टीम ने चिकन डिनर हासिल किया, पूरा डोमिनेट किया यहां पे इस लॉबी को, इस मैच को, इस मैप को, खतरनाक गेम प्ले टीम नंबर 14 तरफ से। तो भाई लोग इसी के साथ हमारा दूसरा मैच भी होता है फिनिश, तो प्लीज जो भी स्ट्रीम पे जल्दी से स्ट्रीम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको कुछ ही देर में, तो कहीं जाना मत।
सो गाइस वी आर बैक अगेन विद अनदर मैच। हम देख सकते हैं तीसरे मैच की शुरुआत हो चुकी है। इस बार हमें वीकेंडी मैप देखने मिलेगा। टीम जल्दी से जंप करते नजर आ रही है। सभी टीम्स अपने अपने ड्रॉप लोकेशन तरफ बढ़ चुकी है। टीम नंबर 6 भी यहां पे आ चुके हैं, अपने पैराशूट हो चुका है इनका ओपन। टीम नंबर 6 और इनके आसपास टीम नंबर 14 और टीम नंबर 17 नजर आ रही है। यहां पे तो भाई फाइट भी हो चुकी है। स्टार्टिंग नंबर 20 की तरफ चलेंगे। टीम नंबर 20 अपना एक प्लेयर ऑलरेडी गवा चुकी है और भाई पूरी टीम एलमेटो की, भाई टीम नंबर 20 सबसे पहली टीम बनी है यहां पे एलमेटो होने वाली। ओ भाई साहब, टीम नंबर 20 यहां पे एलिमिनेट हो चुकी है। सबसे पहली टीम बनी एलिमिनेट होने वाली, बट यहां पे इनको एलिमिनेट किसने किया? टीम नंबर 3 ने एलिमिनेट किया भाई इसको, माफ कीजिएगा टीम नंबर 8 ने यहां पे एलिमिनेट किया उनको। टीम नंबर 8 के खिलाड़ी हमारे सामने एक दिन का सीएम यहां पे 1v3 कर चुके हैं अगेंस्ट टीम नंबर 20। टीम नंबर 20 भी लाइक भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। टीम नंबर 8 यहाँ पे देख सकते हैं 4 फिनिशेस कर चुके हैं 1v3 हमारे एक दिन के सीएम के द्वारा हमें देखने को मिलेंगे। भाई साहब क्या ही प्यारी शुरुआत टीम नंबर 8 की। टीम नंबर 8 के खिलाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं 4 फिनिशेस के साथ यहाँ पे किस एरिया में देख सकते हैं विला का एरिया यहाँ पे मौजूद। और टीम नंबर 8 के आसपास हमें टीम नंबर 3 भी नजर आ रही है। टीम नंबर 3 के पीओवी की तरफ चला जाएंगे। टीम नंबर 3 के प्लेयर नायक गॉड जानते हैं इनके सामने टीम नजर आ रही है। और यहाँ पे टीम नंबर 17 भी हो चुकी है एंगेज फाइट में, चलना चाहेंगे टीम नंबर 17 की तरफ। लेट्स मूव टू टीम नंबर 17। टीम नंबर 17 भी अपना एक प्लेयर गवा चुकी है। बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं देखने मिली है टीम नंबर 17 की तरफ से। टीम नंबर 17 और जस्ट सामने टीम नंबर 6। टीम नंबर 6 के नार्कोस आईजेल ने अपनी टीम को एक सफलता दिलाई और यहाँ पे स्पाइडर को भी टेक डाउन किया जाएगा। भाई कदम कदम यहाँ पे फाइट पे फाइट हमें नजर आ रही है। चलना चाहेंगे टीम नंबर 16 की तरफ। टीम नंबर 16 यहाँ पे 0 फिनिशेस के साथ और चलेंगे नेक्स्ट टीम। भाई फाइट देखने में थी, एक बार चलेंगे टीम नंबर 11 की तरफ। टीम नंबर 11 भी अभी तक फाइट नहीं कर रही है। टीम नंबर 9 क्या टीम नंबर 9 के आसपास है? कोई भी नहीं है यहाँ पे। चलेंगे टीम नंबर 6 के पास। टीम नंबर 6 के बाद टीम नंबर 14, टीम नंबर 17 नजर आ रही है, बट अभी तक कोई फाइट देखने को नहीं मिली। टीम नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं। टीम नंबर 5 यहां पे 0 फिनिशेस के साथ और काफी ज्यादा दूर इस समय कोई भी टीम इनके आसपास भी मौजूद नहीं है। तो आराम से पूरा समय लेंगे, आराम से यहां पे इस मैच को खेलने की कोशिश करेंगे। मैप देख सकते हैं मैक्सिमम टीम जोन के आसपास ही नजर आएंगी। चलेंगे टीम नंबर 11 की तरफ। टीम नंबर 11 के आसपास हमें टीम नंबर 4 इस समय देखने को मिल रही है। फाइट कुछ ही देर में यहां पे देखने को मिलेगी। टॉप एंगल से दिखाना चाहूंगा और यहां पे बाल बाल बचे हैं। क्रेटोस यहां पे बाल बाल बचे हैं। टैक्टिकल आईजेल ने यहां पे स्प्रे लिए थे, डैमेज दिया था, बट नॉक निकालना चाहिए था टीम नंबर 11 के टैक्टिकल आईजेल को, क्योंकि वो एक बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट था। वहां से नॉक निकालना चाहिए था, क्रेटोस को डाउन करना चाहिए था, बट एम चोक किया और अब टीम नंबर 4 के प्लेयर्स अलर्ट हो चुके हैं और ज्यादा अब इनके फ्लैंक्स पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बट यहां पे देख सकते हैं टीम नंबर 11 के 2 खिलाड़ी कुछ अलग ही फ्लैंक पे जा चुके हैं। बट क्या ये जो फ्लैंक करें कुछ ज्यादा समय ना ले लें? अगर इन्होंने ज्यादा समय लिया तो टीम नंबर 4 इनके जो 2 खिलाड़ी उनको नॉक फिनिश करने में कामयाब हो सकती है। इतने में चलेंगे टीम नंबर 6 की तरफ। टीम नंबर 6 भी फाइट करते नजर आएंगी। सिड मोनाक वाइट एक फिनिश कर चुके हैं और एक फिनिश किया गया हमारे नार्कोस आईजेल के द्वारा। सामने टीम नंबर 17 वर्सेस टीम नंबर 16 माफ कीजिएगा टीम नंबर 17 वर्सेस टीम नंबर 6 और साथ में टीम नंबर 14 भी देखने मिलेगी। 3 टीम्स इस एरिया में मौजूद देख सकते हैं सामने की तरफ। टीम नंबर 6 और टीम नंबर 17 धीरे धीरे करके और ज्यादा क्लोज इन आने की कोशिश कर रहे हैं। टीम नंबर 6 के और यहाँ पे TFF 7 कोपी भी टेक डाउन करते नजर आएंगे। भाई क्या ही फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। वीकोपी की तरफ चलेंगे। वीकोपी ने नॉक तो निकाला बट खुद भी नॉक हो चुके हैं। बट फाइट किसके साथ ले रहे हैं? फाइट कौन सी टीम के साथ? सामने टीम नंबर 4 के साथ फाइट ले रहे हैं। टीम नंबर 4 के आखिरी खिलाड़ी, आखिरी उम्मीद यहाँ पे भाई साहब लिंक्स किलर नील यहाँ पे लास्ट प्लेयर सर्वाइव करते हैं। जैसे हमने डिमेंट को रिवाइज, अबे भाई कहाँ कौन से एंगल से टीम नंबर 11 का प्योर डोमिनेंस। दो दो फिनिशेस आ चुके हैं टैक्टिकल किड एंड टैक्टिकल आईजीएल के द्वारा। इन दोनों प्लेयर ने ही, सिर्फ इन दोनों प्लेयर ने ही टीम नंबर 4 को एलिमिनेट कर दिया। 2 खिलाड़ियों ने मिलकर पूरी स्क्वाड को निपटा दिया गाइस। सो टीम नंबर 11 टोटल 4 फिनिशेस कर चुके हैं। बेहतरीन शुरुआत, बट अभी भी खतरा टाला नहीं है क्योंकि गन शॉट्स उनके टीम नंबर 3 के प्लेयर एडवांस करते यहाँ पे टीम नंबर 11 के एरिया में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। टीम नंबर 11 को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि टीम नंबर 3 आ चुकी है इनके एरिया में, घुसपैठ ही आ चुके हैं। टीम नंबर 3 के बाद चलेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टीम जो कि है टीम नंबर 5।
क्या टीम नंबर फाइव फाइट करेगा अभी? जी नहीं, फिलहाल तो कोई वो टीम नजर नहीं आ रही। टीम नंबर सिक्स, टीम नंबर सिक्स के आसपास टीम नंबर फोर्टीन, टीम नंबर सिक्स ने भी चार फिनिशेस कर लिए, बेहतरीन इनकी भी शुरुआत हो चुकी है। गेस टीम नंबर सेवनटीन को जो टीम नंबर सेवनटीन का खेल खत्म कर देगा। जी हाँ बिल्कुल, टीम नंबर सेवनटीन जीरो फिनिशेस के साथ इस समय एलिमिनेट हो चुके हैं। देख सकते हैं जो जो टीम इस समय एलिमिनेट हो चुके हैं, टीम नंबर फोर एलिमिनेट हो चुके हैं, टीम नंबर सेवनटीन और टीम नंबर ट्वेंटी, ये तीन टीम एलिमिनेट हो चुके गए। चलेंगे अब नेक्स्ट टीम की तरफ, जो है हमारी टीम नंबर एट। टीम नंबर एट ने बिल्कुल मैच के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे फाइट लेना स्टार्ट कर दिया था। और देख सकते हैं हम इनकी जो स्पेशली ये प्लेयर हमारे जो एक दिन का सीएम भाई, इस खिलाड़ी ने जो सोलो वन वी थ्री करके दिखाया, अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलवाई। और अब जो इनके टीममेट्स हैं वो कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होंगे। टीम नंबर एट के बाद चलना चाहेंगे टीम नंबर नाइन की तरफ। टीम नंबर नाइन जीरो फिनिशेस के साथ एक बार सभी प्लेयर्स को दिखाना चाहेंगे। अमन को टेकडाउन किया जाएगा टीम नंबर थ्री के। अमन यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। टीम नंबर थ्री यहाँ पे चुपके तो घुसी थी, बट फिर भी कोई फायदा, कोई एडवांटेज नहीं उठा पाई है। अमन को टेकडाउन किया जाएगा, टॉप एंगलर दिखाएंगे। टीम नंबर थ्री और टीम नंबर इलेवन हो चुके हैं एंगेज। सो लेट्स सी इस फाइट का क्या आउटकम निकल के आएगा। टीम नंबर इलेवन के प्लेयर्स धीरे धीरे करके क्लोज इन करने की कोशिश करते हुए अमन के काफी ज्यादा नजदीक जा चुके हैं। वीकोपी अमन जो कि समय नॉक पड़े और लीजिए फिनिश भी किया जाएगा। टीम नंबर थ्री के बाकी के रिमेनिंग प्लेयर्स टॉप हिल पे जा चुके हैं। किंग ओपी की तरफ चलना चाहेंगे जो कि टीम नंबर थ्री के प्लेयर हैं। किंग ओपी की तरफ आ चुके हैं, एक हाइट पे बैठे समय इस समय टीम नंबर थ्री हाइट पे आ चुकी है और शायद टीम नंबर इलेवन को पता है कि हिल पे भी आ चुके हैं कुछ खिलाड़ी। और यहाँ पे जी हाँ बिल्कुल, जैसे मौका मिला वैसे ही किंग ओपी पे शॉट्स आए हैं और खुशकिस्मत रहे कि नॉक नहीं हुआ, क्योंकि लेवल वन की वेस्ट थी, कुछ ज्यादा जो आपको सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करती है। सो किंग ओपी जल्दी से हील अप करके आप देखना चाहूंगा टीम नंबर थ्री का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। टीम नंबर इलेवन के तहत एडवांस करने की कोशिश करते हैं। लीजिए फाइट एंगेज हो चुकी है, एक टैक्टिकल किट आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए अलग एंगल से किंग ओपी नॉक निकाल देगा। ऑलरेडी यहां पे जो है पूरी तरह से तैयार थे टैक्टिकल किट, पूरी तरह से तैयार थे, रिफ्लेक्स देके नॉक निकाला और काफी ज्यादा इजिली पूरा सोच समझ के यहां पे टीम नंबर थ्री को एलिमिनेट करने में कामयाबी हासिल किया भाई। बट फिर भी देख सकते हो तुम लोग टैक्टिकल किट और टैक्टिकल आईजीएल भाई, यही दोनों प्लेयर खेल रहे हैं क्या? इन दोनों प्लेयर ने ही मिलकर टोटल आठ फिनिशेस कर लिए, लाजवाब परफॉर्मेंस भाई इन दोनों प्लेयर्स की तरफ से। टीम नंबर 11 लगातार दो टीम्स को एलिमिनेट कर चुके हैं, बट भाई साहब सिर्फ ये दोनों प्लेयर्स ने ही देखा अगर जाए तो एक एक स्क्वाड निपटाई है भाई इन्होंने। तो टीम नंबर 11 के इन दोनों प्लेयर्स का काफी प्यारा गेम प्ले, फुली कॉन्फिडेंट फील करेंगे समय, इनके टीममेट्स भी फील करेंगे कॉन्फिडेंस। और अब देखना चाहूंगा टीम नंबर 11 क्या इस मोमेंटम के साथ टॉप फाइव तक एंटर कर पाएगी या फिर नहीं। चलेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टीम। चलेंगे लास्ट टीम से टीम नंबर 19 की तरफ चलना चाहूंगा। क्या टीम नंबर 19 यहां पे फाइट करेगी? फिलहाल तो कोई टीम इनके आसपास नजर नहीं आ रही। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टीम। टीम नंबर 18 की वे साथ भी सेम सिचुएशन, जीरो फिनिश और इनके आसपास भी अब तक कोई और टीम देखने को नहीं मिलेगी। चलेंगे अब टीम नंबर 16 की तरफ। टीम नंबर 16 की तरफ आ चुके हैं और टीम नंबर 16 के आसपास हमें एक एनिमी टीम नजर आ रही है जो है टीम नंबर 6 और टीम नंबर 16 एक ही फ्रेम में इस समय नजर आ रही है। टी ए ऑर्डर काफी ज्यादा ओपन में आ रहे हैं भाई। टीम नंबर 16 अगर इनको स्पॉट किया था तो भाई नॉक फिनिश हो जाते इंस्टेंटली, बट खुशकिस्मत रहे ऐसा में किसी ने भी इनको स्पॉट नहीं किया। और टीम नंबर 6 क्या लगता है फाइट करेंगे? क्या फाइट एंगेज करेगी टीम नंबर 6? टीम नंबर 16 इस समय फ्रेम से बाहर हो चुके। जी हाँ बिल्कुल, फ्रेम से बाहर हो चुके और इस समय फ्रेम में जो ऐड हुए हैं वो है टीम नंबर 5 के खिलाड़ी। टीम नंबर 5 के प्लेयर देख सकते हैं बिल्कुल टॉप हिल की तरफ देखने को मिलेंगे। क्या फाइट होगी टीम नंबर 5 और टीम नंबर 6 के बीच में? लेट्स सी, जस्ट वेट एंड वॉच, कुछ ही देर में चीज का आंसर हमें मिल ही जाएगा। एक्ट्रियन वाइट की तरफ चलना चाहूंगा। एक्ट्रियन वाइट यहाँ पे देख सकते हैं आगे पीछे सराउंडिंग्स चेक करते हुए यहाँ पे कुछ देर के लिए होल्ड करना चाहेंगे। 12 टीम्स अभी भी सर्वाइव करेंगे। तो भाई लोग यहाँ पे जो भी स्ट्रीम पे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 25 लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 5 लाइक्स की कमी है, 30 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते मेरे जान, मदद करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मदद करो यार। चलेंगे अब नेक्स्ट टीम की तरफ जो है टीम नंबर 6। टीम नंबर 6 ने भी चार फिनिशेस किए और सामने से टीम नंबर 16 के प्लेयर जाने की कोशिश करते हैं, अबे स्प्रे लेने में देरी कर दी है, बट यहाँ पे वेट करें। अब मारो भाई। यहाँ पे टेकडाउन किया जाएगा भाई साहब। व्हीकल चाहिए था ना। और यहाँ पे टीम नंबर 16 के स्नाइपर के साथ मोए मूवमेंट हो चुके हैं, मोए। सो लीजिए स्नाइपर को नॉक फिनिश अब कुछ ही पलों में कर दिया जाएगा। सो टीम नंबर 16 को पहली कैजुअलिटी मिल चुकी है।
टीम नंबर 16 अब तीन प्लेयर्स के साथ देखना चाहूंगा आगे की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, क्या बदलाव आएगा कुछ स्ट्रैटेजी में, क्या उनके गेमिंग प्लेयर जो स्ट्रैटेजी उसमें कुछ बदलाव देखने मिलेगा। लेट्स सी टीम नंबर 16 के लेफ्ट पे टीम नंबर 18 और यहाँ पे राइट हैंड साइड से इस एरिया से इस जो मुश्किल गड़ी से निकलने की कोशिश करेगी टीम नंबर 16। देख सकते हैं राइट हैंड साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल भी हो चुके हैं उस एरिया को छोड़ने के लिए। टीम नंबर 16 आ चुके एक बेटर पोजीशन में, सेफ पोजीशन में, बट कब तक सेफ रही यदि ये चीज देखना चाहूंगा। चलेंगे अब नेक्स्ट टीम की तरफ जो है हमारी टीम नंबर 11। टीम नंबर 11 काफी ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले यहाँ पे और अब इस एरिया को छोड़ के निकलेंगे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। टीम नंबर 11 के आसपास हमें टीम नंबर 19 देखने को मिल रही है। टीम नंबर 19 के पीओवी की तरफ चला जाएंगे एक बार टॉप एंगल से देखना चाहूंगा। जोन के साथ ही खेलते नजर आ रही है टीम नंबर 19। जोन में जाना पड़ेगा जो नेक्स्ट एक मिनट के अंदर अंदर हमें देखने को मिलेगा। और भाई लोग यार प्लीज लाइक कीजिए जो भी स्ट्रीम पे नया है, प्लीज स्ट्रीम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, 30 लाइक्स करवा दो यार जल्दी से कंप्लीट। सो टीम नंबर 19 के प्लेयर्स अभी भी इसी एरिया को होल्ड करेंगे बट जाना पड़ेगा गाइस, कुछ ही देर में यहाँ पे नेक्स्ट प्लेइंग सर्कल बनने वाला है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, व्हीकल में बैठ चुके हैं सारे की सारी टीम, एक ही व्हीकल में लोड हो चुके हैं। भाई रिस्की काम है, अगर किसी भी टीम ने स्पॉट किया तो एक ही स्प्रे में पूरी टीम जाएगी। चलेंगे अब नेक्स्ट टीम की तरफ टीम नंबर 18। टीम नंबर 18 तरफ आ चुके हैं। टीम नंबर 18 भी अभी तक जीरो फिनिशेस के साथ अपने पहले फिनिश की तलाश में टीम नंबर 18 यहां वहां भटकते हुए नजर आ रही। सो आपको एक बार प्लेइंग सर्कल दिखा दूं, देख सकते हैं सर्कल आपके सामने, सेंटर में काफी ज्यादा टीम घुस चुके हैं। टीम नंबर 11 के बाद सीधा सेंटर की तरफ आके घुस चुके हैं और सामने से जो जो टीम जा रही है भाई क्या फाइट देखने, सीधा टीम नंबर 8 आ चुके, सीधा टीम नंबर 8 आ चुके, फाइट होगी अब इनके बीच में। लीजिए फाइट, एक प्लेयर को डाउन कीजिएगा, दूसरे प्लेयर को डाउन कीजिएगा, एक तरफ से टीम नंबर भाई टीम नंबर 11 क्या ही प्यारा गेम प्ले दिखा रही है भाई। टीम नंबर 11 हैट्स ऑफ है भाई इनकी, इनकी जो सोच, इनकी जो स्ट्रैटेजी है नेक्स्ट लेवल। देख सकते हैं दो दो के स्प्लिट पे थी, जिस चीज का फायदा मिला इनको देख सकते हैं। टीम नंबर 8 को तो निपटाया, अब टीम नंबर 5 की बारी है शायद। वाइपर को फिनिश किया जाएगा, 13 फिनिशेस बाय टीम नंबर 11। भाई ये टीम ना कुछ अलग चीजें खा के आई है भाई, क्या ही लाजवाब परफॉर्म करी है टीम। 13 फिनिशेस कर लिए इस टीम ने और अभी भी काफी ज्यादा मैच पड़ा हुआ है। एक नॉक निकाले का पहला नॉक और पहली कैजुअलिटी आ चुकी है टीम नंबर 11 को। जी हाँ, अब थोड़ी सी मुश्किलें क्रिएट होते हुए नजर आ रही है टीम नंबर 11 के लिए, क्योंकि दो टीम इस समय है और यहाँ पे बेहतरीन स्पॉट भी इस समय टीम नंबर 15 है। एक हाइट का एडवांटेज टीम नंबर 15 के पास, टीम नंबर 15 के पास पूरा जो है एक हाई ग्राउंड का एडवांटेज है, पूरी तरह से फायदा मिला है इनको। बीस्ट ओपी ने एक फिनिश निकाला है, टीम नंबर 11 के एक प्लेयर को नॉक फिनिश किया, कंफर्म किया और अब एक अलग एंगल बनाने की कोशिश करेंगे जिससे और ज्यादा फिनिशेस निकाल पाए। 26 लाइक्स हो गए, थैंक यू सो मच मेरी जान जिसने भी अभी लाइक किया है, बट प्लीज यार 4 लाइक्स और चाहिए, 30 लाइक्स हो जाएंगे तो प्लीज यार कंप्लीट कीजिए। वो टीम नंबर 15 के सामने टीम नंबर 5 और टीम नंबर 11, कौन सी टीम सरवाइव करेगी जोन। अबे भाई साहब पीछे तो देखो और पीछे से टीम नंबर 13 एक ब्लाइंड स्पॉट पे आ चुकी है। टीम नंबर 15 के प्लेयर को नॉक करना चाहिए था, नॉक नहीं कर पाए और अब टीम नंबर 15 जो है अलर्ट हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल अलर्ट होगी और एक तरह से सैंडविच सिचुएशन में भी फंस चुकी है टीम नंबर 15। फिलहाल तो देखना चाहूंगा टीम नंबर 15 इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेगी। 11 टीम और 40 प्लेयर अभी भी सरवाइव करते हुए। सो भाई लोग आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है हमारे इस थर्ड मैच में, कौन सी टीम विनर चिकन डिनर लेके जाएगी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है। सो प्लीज यार हाथ जुड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी समय स्ट्रीम पे, स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 30 लाइक्स जल्दी से कंप्लीट करा दो, 26 लाइक्स है, 4 और चाहिए, 4 मोर लाइक्स टू गो। सो लेट्स सी गाइस कब तक मेरे भाई कंप्लीट कर देंगे यार, कर दो ना यार मदद कर दो। और प्रे लेने की कोशिश और यहाँ पे टेकडाउन किया जाएगा, 20 ओपी का 20 नेड यहाँ पे टेकडाउन किया जाएगा टीम नंबर 13 के प्लेयर, सामने से डीपीएस चिपकाने की कोशिश और भाई साहब नॉक फिनिश किया जाएगा 20। और लीजिए भाई टीम नंबर 15 हो चुकी है चिकन डिनर की रेस से बाहर, टीम नंबर 13 4 फिनिशेस अपने अकाउंट में ऐड कर चुके। जी हाँ, टीम नंबर 15 के लिए सब कुछ सही जा रहा था पर टीम नंबर 13 पीछे से उनके ब्लाइंड स्पॉट पे आके उनको एक तरह से सैंडविच सिचुएशन में फंसा चुकी थी और टीम नंबर 15 के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने फाइट लेना ही चूज किया और टीम नंबर 13 वो फाइट जीत चुकी है। इस समय आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी टीम नंबर 11 जो कि शायद इस मैच में सबसे ज्यादा फिनिशेस कर चुकी है, 14 फिनिशेस कर चुकी है टीम और अभी भी जो टीम चिकन डिनर की रेस में भागते नजर आएंगी।
So guys, we got over top 10 teams. और मेरी जान, please, please stream को like कीजिएगा, 30 likes complete कराइए. तो ये रही आपके सामने डिटेल पूरी की पूरी, जो जो टीम सर्वाइव कर रही हो, जो जो टीम इस समय एलिमिनेट हो चुके हैं, सारी की सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पे. टीम नंबर 16 भी मुश्किल में नजर आ रही है क्योंकि लास्ट प्लेयर इस समय बचा हुआ है. फेक फॉक्सी, आखिरी प्लेयर, आखिरी उम्मीद, जोन के एच पे खेलता है सामने टीम नंबर 19. टीम नंबर 19 को इस प्लेयर की लोकेशन पता है, इनके व्हीकल को डैमेज करने की कोशिश ताकि ये प्लेयर निकल ना पाए जोन की तरफ. बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो टीम नंबर 19 को जोन में आना पड़ेगा. सबसे पहले जोन में टीम नंबर 19 को आना पड़ेगा. टीम नंबर 19 का एक प्लेयर जो नॉक है, प्लेयर को रिवाइव तो मिल जाएगा, और क्या जोन में सही सलामत पहुंच पाएगी. YouTube माफिया को भी टेक डाउन किया जाएगा. आखिरी दो प्लेयर बच्चे ब्रो कर क्या रही है टीम नंबर 19 मुश्किल में. टीम नंबर 16 ये फॉक्सी, अबे भाई क्या कर रहे हो ब्रो. टीम नंबर 16 यहाँ पे और लीजिए भाई, मुश्किल में है फॉक्सी. फॉक्सी को भी यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा. टीम नंबर 18 के द्वारा लोकेशन रिवील हो चुकी है. टीम नंबर 18 के प्लेयर यहाँ पे इनको स्पॉट कर चुके हैं. अब फॉक्सी समझ नहीं आ रहा इस प्लेयर को, टीम नंबर 18 से बचे या फिर टीम नंबर 19 से बचे. टीम नंबर 19 के वैसे राज देसाई अकेले खिलाड़ी हैं. राज देसाई 14 फर्स्ट एड किट, तो लीजिए भाई इनकी तो हील बैटल अभी से ही स्टार्ट हो जाएगी. बट देखना चाहूंगा फेक फॉक्सी कब तक सर्वाइव करेंगे. चलेंगे नॉन्टेज आउट की तरफ. टीम नंबर 18 भी यहाँ पे फाइट करते हुए नजर आएंगी. टोटल 4 फिनिशेस कर चुके हैं. सो गाइस वी गॉट ओवर टॉप 18 नाउ. एंड प्लीज यार, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो मेरी जान, प्लीज मदद कीजिए. स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, कर दो ना, नहीं तो मेरे को डायलॉग मारना पड़ेगा अपना. तो भाई लोग यार, जो भी स्ट्रीम पे, जल्दी से स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. तुम्हें तुम्हारी पर्सनल मम्मी की कसम, ले लो पोदी ना. तो टीम नंबर 18 के प्लेयर यहाँ पे एंटर तो किए हैं भाई साहब, बट जो एंट्री की थी काफी ज्यादा खतरनाक एंट्री थी. नॉक हो सकते थे पर टीम नंबर 12 ने वो मौका गवाया. टीआर हनी के द्वारा टेक डाउन किया जाएगा. हनी यहाँ पे दूर से, दूर होने का फायदा मिला इनको. टीम नंबर 12 को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, उनको लगा कि पूरी स्क्वाड का पुशा है. बट हनी ने एक नॉक निकाला है. सामने टीम नंबर 12 का प्लेयर आगे बढ़ने की कोशिश, सामने प्लेयर ट्रू लेजेंड डीबीएस के शॉट लेने की कोशिश. जंप शॉट, जंप शॉट, डीबीएस वर्सेस डीबीएस. बट यहाँ पे सामने के खिलाड़ी ने टेक डाउन कर दिया हनी को, और अब इस प्लेयर का बचना नामुमकिन सा नजर आ रहा है मुझे. क्या टीम नंबर 18 सर्वाइव कर पाएगी. आखिरी दो प्लेयर बचे हैं, नॉन्टेज ऑड और स्टार लॉर्ड. इस समय बैंडेजेस का इस्तेमाल करते हैं स्टार लॉर्ड, और यहां पे नॉन्टेज ऑड को भी टेक डाउन किया जाएगा. भाई अब बैकफुट पे है, अब कंप्लीटली बैकफुट पे है टीम नंबर 18. क्या सर्वाइव कर पाएगी टीम नंबर 18 के स्टार लॉर्ड के हाथों. यहाँ पे उनकी जो किस्मत है इस समय टीम नंबर 18 की, देखना चाहूंगा क्या सर्वाइव कर पाएगा. प्लेयर को समझ नहीं आ रहा भाई, जाए तो जाएगा. टॉप 7 टीम्स गाइस हमारे सामने, नेट कुक करने की कोशिश करते हैं. क्या नॉक निकाल पाएंगे, क्या नॉक निकाल पाएंगे. बट नहीं ब्रो, 69 क्रूज का वो नेट, और इसी के साथ नॉक फिनिश, और माफ कीजिएगा सीधा ही फिनिश किया जाएगा. टॉप 6 टीम्स गाइस, आप हमारे सामने टॉप 6 टीम्स आ चुके हैं. और भाई लोग यार कर दो ना यार लाइक, 4 लाइक्स रहते हैं और 4 भाई, सिर्फ 4 लाइक्स और चाहिए, जल्दी से 30 लाइक्स कर दो. और यहाँ पे टीम नंबर 5 के भी आखिरी प्लेयर बचे हैं स्टॉर्म. यहाँ पे लास्ट प्लेयर बिल्कुल अपनी टीम को यहाँ पे चुप चुप के से टॉप 5 पे लेके आ चुका है खिलाड़ी टीम नंबर 5. उसका चलने टीम नंबर 6 की तरफ. टीम नंबर 6 ने यहाँ पे इस समय 10 फिनिशेस कर दी है. लाजवाब परफॉर्मेंस टीम नंबर 6 का, स्पेशली हमारे नॉर्कोस आइजल का, अकेले 5 फिनिशेस कर चुका है खिलाड़ी. ऑर्डर उनका साथ निभाते हुए 3 फिनिशेस के साथ सिड मोनाक वाइटी एक फिनिश करते हुए, टोटल 10 फिनिशेस इस टीम के. चलेंगे टीम नोटल की तरफ. टीम नोटल ने भी 5 फिनिशेस किए हैं, बट एक प्लेयर अपना गवा चुके हैं, और इनको जोन में भी जाना पड़ेगा. व्हीकल की हालत देख सकते हैं, पूरी तरह से धुआं निकलता हुआ, धुआं धुआं हो चुका है इस समय. क्या जोन में सही सलामत पहुंच पाएगी टीम नंबर 12. अगर व्हीकल पे आधी स्प्रे भी कनेक्ट हुई तो ये व्हीकल पूरी तरह से डैमेज ऑलरेडी और एक्सप्लोड हो जाएगा, और शायद से टीम नोडल इस मैच से बाहर हो जाएगी. बट लेट्स सी क्या टीम नोडल सही सलामत पहुंचेगी, सही सलामत पहुंचेगी. अबे भाई और भाई पहुंच गई भाई किस्मत. अबे नहीं, लॉबी पहुंच गई भाई. टीम नंबर 12 भी हो चुका है. लीजिए भाई जिसका डर था वही हुआ. टीम नंबर 5 का ये लास्ट प्लेयर. टीम नंबर 13 का भी दिखाना चाहूंगा. टीम नंबर 13 प्लेयर जहां पे टीम नंबर 13 ने भी 7 फिनिशेस किए उस समय. टॉप 3 टीम्स हमारे सामने आ चुके भाई. ये जो हमारा टीम नंबर 5 का स्टॉर्म है ना, अपनी टीम को भाई देख रहे हो ना, टॉप 3 में लेके आ चुके चुप चुप के से. यहाँ पे आखिरी 3 टीम बचे हैं. टीम नंबर 13 जिन्होंने 7 फिनिशेस किए, और पूरी टीम इस समय कंप्लीट, नॉट इवन अ सिंगल कैजुअल्टी. टीम नंबर 13 पूरे के पूरे 4 प्लेयर अलाइव इस समय. चलेंगे टीम नंबर 6 की तरफ. टीम नंबर 6 ने 13 फिनिशेस किए हैं एज कंपेयर टू टीम नंबर 13. इनके फिनिशेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, बट एक प्लेयर इनका जो है अभी कम नजर आ रहा है. एक प्लेयर अपना गवा दिया उन्होंने टीम नंबर 6 13 फिनिशेस के साथ. और टीम नंबर 5 इनकी तो क्या ही बात. अबे बिल्कुल सामने ओ भाई नॉक फिनिश कर इसको. ओ भाई साहब
ये क्या था ब्रो, नॉक फिनिश कर सकते थे बट इस प्लेयर ने होल्ड करना ही सही समझा। ओ भाई इतना पेशेंस लेवल कैसे ब्रो, इतना पेशेंस लेवल कैसे। तो भाई लोग यार प्लीज प्लीज जो भी समय स्ट्रीम पे है जल्दी से स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 30 लाइक्स तो कर दो यार कंप्लीट, 4 लाइक्स रहते हैं सिर्फ, 4 लाइक्स प्लीज यार कर दो। टीम नंबर 6 की तरफ चलेंगे, इनका पीवी देखना चाहूंगा, शायद से स्पॉट कर ले गया टीम नंबर 13 को। जी हाँ शायद से स्पॉट कर ले गया, जानते हैं टीम नंबर 13 को जोन में एंटर करना है। टीम नंबर 6 के पास जोन, टीम नंबर 13 के प्लेयर आकाश ओपी जोन में आने की कोशिश करेंगे और जोन में एंटर कर लेगा आकाश ओपी के द्वारा। आकाश ओपी का पीओवी दिखाना चाहूंगा, ऑलरेडी इस प्लेयर ने 3 फिनिशेस कर लिए, क्या और ज्यादा फिनिशेस निकाल पाएगा अपनी टीम के लिए। नेट आना स्टार्ट हो चुका है, टीम नंबर 6 नेट करते और लीजिए आकाश ओपी को डाउन कीजिएगा, नार्कोस आईजल का प्रिसाइज नेट यहां पे टेक डाउन करेगा आकाश को और लीजिए अब पीछे से सरप्राइज अटैक देगा स्टॉर्म के द्वारा, एक प्लेयर को नॉक फिनिश किया जाएगा, नॉक फिनिश एक फाइनली एक फिनिश तो किया, किल पॉइंट मिला इस टीम को। टीम नंबर 5 का खिलाड़ी और ज्यादा मुश्किलें क्रिएट करता है टीम नंबर 13 के लिए, टीम नंबर 13 के एक प्लेयर देख सकते हैं आकाश ओपी नॉक तो बने हैं और लीजिए स्टॉर्म नॉक फिनिश लेके, भाई नॉक किसी और ने किया था बट स्टॉर्म ने वो फिनिश अपने नाम किया, 2 फिनिशेस कर ले भाई, मेहनत टीम नंबर 6 की थी बट फल टीम नंबर 5 के स्टॉर्म को मिला। बट अभी इस प्लेयर को जोन में जाना पड़ेगा, क्या जोन में जा पाएगा, जोन स्टार्ट हो चुका है, ब्लू जोन श्रिंक करना स्टार्ट हो चुका है, काफी ज्यादा डैमेज देगा, एक ही फर्स्ट एड किट है, आखिरी फर्स्ट एड किट है, सामने टीम नंबर 6 भी तलाश कर रही है हर एक खिलाड़ी की। तो देखना चाहूंगा टीम नंबर 6 क्या स्पॉट कर पाएगी टीम नंबर 5 के प्लेयर को, देख सकते हैं हाइट पे, जी हाँ यहाँ पे पूरी नजरें गड़ाई हुई है हमारे सिड मोनाक वाइटी ने, जानते हैं स्टॉर्म की लोकेशन को और स्पॉट शायद से स्पॉट कर लिया जाएगा, स्पॉट कर लिया जाएगा इनको, छोटी सी पीक करेंगे और स्टॉर्म को शायद नॉक, अरे नहीं बिल्कुल नहीं पता इस प्लेयर को, स्टॉर्म वर्टिकल जोन में वो, अरे लीजिए स्पॉट कर लिया जाएगा, स्पॉट कर लिया जाएगा, अब और ज्यादा मुश्किलें आएंगी ब्रो, लगभग 30 मीटर की दूरी पे समय जोन से बट क्या पहुंच पाएगा नहीं भाई, ये लॉबी में जाने वाला है भाई, लॉबी में जाएगा, सो बाय बाय टीम नंबर 5, टीम नंबर 5 के स्टॉर्म यहां पे अपनी टीम को थर्ड पोजीशन तक लेके आ चुके हैं और उसके आगे कैरी नहीं कर पाएंगे। सो बाय लोग अब जो फाइट बचे इट्स बिटवीन टीम नंबर 13 एंड टीम नंबर 6, सो लेट्स सी कौन सी टीम भी नवीन चिकन डिनर लेके जाएगी। गॉड ओपी के ऊपर नेट आया था, नेट से काफी ज्यादा लो भी हुए थे, लगभग 30 से 40 एचपी बचे थे, एक और नेड की बारिश की जाएगी और टी ऑर्डर के द्वारा एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, आखिरी प्लेयर बचा हुआ है, मुश्किल में है, टीम नंबर 13 सरवाइव नहीं कर पाएगी और लीजिए भाई टीम नंबर 6 गाइस, टीम नंबर 6 तीसरे मैच में विनर चिकन डिनर कर चुके हैं भाई 15 फिनिशेस के साथ यहां पे टीम नंबर 6 ने किए हैं और विनर चिकन डिनर भी ले चुके हैं। तो प्लीज यार प्लीज 30 लाइक्स कंप्लीट करवा दो यार, जल्दी से स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हें तुम्हारी पर्सनल मॉमी की कसम ले लो पुदीना, तो यार कर दो ना मेरी जान लाइक कर दो मेरी स्ट्रीम, कर दो कमीनो भाई, बहुत कमीने यार, कर दो ना यार। सो यहाँ पे तीसरा मैच यानी कि सेकंड लास्ट मैच भी हो चुका है खत्म और कुछ ही देर में अब जो है लास्ट मैच होने वाला स्टार्ट, जो कि आज रात का और आज फिनाले का आखिरी मैच होने वाला है जो डिसाइड करेगा टीम्स के पोजीशनिंग्स का पॉइंट्स टेबल पे। सो लेट्स सी ये आखिरी मैच कैसा जाने वाला है। तो भाई लोग मिलते हैं आपको कुछ ही देर में, तो प्लीज यार स्ट्रीम को लाइक कर दो यार, कि भाई हद होती है मां कसम, लाइक करने में भी कंजूसी यार, तुम्हारे घर के जमीन जायदाद थोड़ा मांग रहा हूं भाई, 26 लाइक से साला लाइक भी कम कर दिया, वाह भाई वाह, हद है ब्रो, रुको सालों तुम्हारे लिए कोई मैसेज पिन करूंगा मैं चैट में, रुक जाओ
तो भाई लोग स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनकोटिया वाईटी। तो भाई लोग आप सभी को बता दूं ये फाइनल्स है, फिनाली का आखिरी मैच, आज रात का आखिरी मैच यहां पे हो चुका है स्टार्ट। रैंगल मैप हमें फिर से देखने को मिलेगा। टीम नंबर 3 इस समय हमारी स्क्रीन पे जो कि ग्लाइड करते नजर आ रही है, जॉर्जियो सिटी की तरफ आ चुके हैं। क्या टीम नंबर 3 के साथ कोई और टीम है? जी हां बिल्कुल नजर आएगी। टीम नंबर 4 भी इसी एरिया में आ चुकी है। क्या फाइट देखने को मिलेगी दोनों टीम्स के बीच में? टीम नंबर 4 का भी अभी दिखाने का हवा में ड्रॉ नॉक करने की कोशिश भी लेके सिंगल टैप, बट नहीं ब्रो नहीं, एक भी शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए। लिंक्स नेक्सस आगे बढ़ने की कोशिश, स्कॉर्पियन मिले और यहां पे अभी फिर से मिनी मिलेगी इस प्लेयर को। टीम नंबर 4 वर्सेस टीम नंबर 3। तो यहां पे चलेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ, दोनों टीम्स को दिखा दिया, चलना चाहूंगा टीम नंबर 5 की तरफ। टीम नंबर 5 यहां पे लैंड कर चुके हैं, यहां पे इनकी भी फाइट हो चुकी है भाई, काफी ज्यादा यहां पे अर्ली फाइट्स नजर आ रही है। टीम नंबर 5 और टीम नंबर 12 के बीच में नेड किया गया, कुक यहां पे ट्रियन वाइट के द्वारा अगर नेड डेकोरेट होगा तो टीम नंबर 12 वार्ड में। अरे भाई रैक्सी इस समय अकेले प्लेयर देखने को मिल रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, बाकी के टीममेट्स कहां पे ब्रदर? इसके अकेला खिलाड़ी चुंगलों में फंस चुका है टीम नंबर 5 के। क्या ये प्लेयर सरवाइव कर पाएगा? एंड गाइस गाइस प्लीज प्लीज मेरी जान, आखिरी मैच है, 30 लाइक्स तो कर दो यार। और यहां पे टीम नंबर 12 का भी बैकअप आता हुआ, बाकी के खिलाड़ी भी आ चुके हैं अपने टीममेट को बचाने के लिए, कवर देने के लिए, सहानुभूति देने के लिए, हर तरफ से खिलाड़ी आ रहे हैं। यहां पे सामने से भी मॉन्स्टर ट्रक आ रहा है, उसमें कौन आ रहा है? शायद टीम नंबर 5 की भी बैकअप आ चुके हैं। तो दोनों टीम्स इस एरिया में आ चुके हैं। अब बूम बाम देखने मिलेगा, लगातार घमासान युद्ध देखने मिलेगा दोनों तरफ से। सो लेट्स सी कौन सी टीम सर्वाइव करेगी। टीम नंबर 12 यहां पे एक डिसएडवांटेज में, एक खिलाड़ी की कमी महसूस होगी इनको, सामने टीम नंबर 5 पूरी स्क्वाड मौजूद। टीम नंबर 12 का पीओवी दिखाना चाहूंगा, 69 क्रूज हाथ में, यूएमपी और टॉमी का कॉम्बिनेशन, लेवल 3 की हेलमेट बट वेस्ट लेवल 1 की है, उस चीज से थोड़ा बचना पड़ेगा। चलेंगे रैक्सी की तरफ, इनका पीओवी दिखाएंगे, यूएमपी टॉमी लेवल 1 की वेस्ट और हेलमेट तो है ही नहीं है भाई इस प्लेयर के पास। और यहां पे शॉट भी कनेक्ट हुआ और यहां पे लीजिए 69 क्रूज को डाउन किया जाएगा और यहां पे अपने टीममेट को कवर देने की कोशिश करते हुए रैक्सी, बट यहां पे उसी दौरान टीम नंबर 5 के प्लेयर्स एडवांस करते हुए इसकी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करते हुए रैक्सी ने लो भी किया टीम नंबर 5 के खिलाड़ी को, फिर से फ्री फायर देख के रोकने की कोशिश और शॉटगन लेके आए हैं, एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, दूसरा प्लेयर भी काफी ज्यादा पे। क्या भाई गया 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 गया, लोड कर ले भाई, लोड कर ले सामने वाला खिलाड़ी। अबे भाई क्या, भाई क्या ही बोलूं, रैक्सी ने काफी प्यारे तरीके से हमें मुकाबला किया, बट यही चीज होती है जब ध्यान नहीं देते अपने रिलोडिंग पे, तो वही चीज देखने मिलेगी, रिलोडिंग नहीं की थी, दोनों एमओ जो दोनों वेपन्स उनके एमओ रिलोडिंग पे आ चुके थे, खाली थे उनके, और उसी के दौरान वहां पे उन्होंने जो है अपने आप को एलिमिनेट पाया। टीम नंबर 12 के प्लेयर यहां से निकलने की कोशिश, बट अब नहीं निकलने दिया जाएगा ब्रो, लॉबी में निकलोगे। टीम नंबर 5 फाइनली एलिमिनेट कर चुके हैं टीम नंबर 12 को, दो फिनिशर्स जाएंगे ट्रियन वाईटी के अकाउंट में, एक फिनिश जाएगा भूपेंद्र योगी। हाय भूपेंद्र योगी, तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों जिसने भी अभी लाइक किया यार दिल से शुक्रिया ब्रो, बट यहाँ पे 2 लाइक्स की और जरूरत है, 30 लाइक्स कर दो यार मेरे जन। अगर अपने भाई की कास्टिंग पसंद आ रही है तो प्लीज यार अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैं तुम्हारी पर्सनल मॉमी की कसम ले लो, पोदीना ले लो ना यार, ले लो ना थोड़ा सा ले लो। सो टीम नंबर 5 की शुरुआत हो चुकी है 3 फिनिशेस के साथ, टीम नंबर 12 को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और हम चलेंगे हम नेक्स्ट की तरफ। गॉड एल जॉनथन यहां पे 55th कॉपी जॉनथन की आ चुकी है हमारे सामने, चलेंगे जॉनथन की तरफ। ये रे हमारे सामने पिछवाड़े में मॉली लगी हुई थी, मॉली लेके भाई 17 और टीम नंबर 16 के बीच में घमासान युद्ध हो चुका है स्टार्ट। यहां पे स्कूल के बीच में लड़ाई करें भाई, ये स्कूल पढ़ने की जगह तुम सालों लड़ रहे हो यहां पे, शर्म करो शर्म करो। टीम नंबर 16, टीम नंबर 17 और टीम नंबर 15, 3 टीम्स इस एरिया में मौजूद। देखते हैं यहाँ पे क्या ही इस समय सिचुएशन चल रही है। टीम नंबर 15 के नदीम नेड करने की कोशिश, क्या नेड किसी को ढूंढेगा? बिल्कुल नहीं ढूंढेगा, बट टीम नंबर 16 के प्लेयर जमीन को ढूंढेंगे, नॉक हो चुके हैं और यहाँ पे फेक फॉक्स जम करके आने की कोशिश करते, बट कोई भी कर नहीं पाए, कुछ अच्छी चीज कर नहीं पाए। और यहाँ पे चलेंगे टीम नंबर 70 के पीओवी की तरफ, टीम नंबर 70 एक प्लेयर नॉक हो चुका है, रेज इस समय नॉक, आखिरी दो प्लेयर क्रोम 78 आखिरी प्लेयर बचा ब्रो, अब आखिरी प्लेयर एचएल क्रोम 78 लास्ट प्लेयर सर्वाइव करता। टीम नंबर 17 इस समय बिना मतलब मार पड़ी ने दोनों टीम्स के बीच में फंसे हैं और अब और यहाँ पे नदीम का नेट, टीम नंबर 16 के स्नाइपर को टेक डाउन किया जाएगा स्मोक करके। यहाँ पे क्रोम अपने टीममेट को बचा तो लिया और अब कुछ देर के लिए यहाँ पे अपने लिए टाइम लेंगे।
टीम नंबर 17, टीम नंबर 16 अभी दिखा दूंगा। फेक फॉक्सी लास्ट प्लेयर स्ट्राइकर था, टीम नंबर 15 इस समय डोमिनेट कर रही है स्कूल के एरिया को। टीम नंबर 15 एज कंपेयर टू अदर टू टीम्स, यहां पे टीम नंबर 16 और टीम नंबर 17 के कंपेयर में टीम नंबर 15 के पास मैन पावर का एडवांटेज है। फेक फॉक्सी रूफ पे टीवी लेते वेट करता हुआ रेज के द्वारा यहां पे टेक डाउन किया जाएगा। रेज यहां पे नॉक हो चुके हैं, आखिरी प्लेयर बड़े यहां पे क्रोम एक प्लेयर को नॉक फिनिश ओवर कर चुके हैं। भाई पीछे तो देखो ब्रो, पीछे तो देखो क्या ही चल रहा है। टीम नंबर 15 जिनके पास मैन पावर का एडवांटेज है भाई, एकदम से अपने दो खिलाड़ी गवा दिए। ओ भाई साहब चल क्या रहा है, कांटे की टक्कर इन तीनों टीम्स के बीच में, कोई भी टीम हार नहीं मान रही ब्रो। कभी एक टीम का पलड़ा भारी था तो कभी दूसरी टीम का। टीम नंबर 15 के नदीम अब आखिरी बेर है, डीबीएस चिपकानी चाहिए थी, चिपकानी चाहिए थी ब्रो। अबे कब चिपकाएगा भाई, भाई इसलिए लेते हो डीबीएस भाई, अगर ऐसे डीबीएस चलानी तो मत लेना भाई, आज से दोबारा मत लेना ब्रो। सो टीम नंबर 15 जो मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे सर्वाइव करेगी, बट ये चीज उल्टी पड़ चुकी है उन पे। टीम नंबर 15 सबसे पहली टीम बनी यहाँ पे हेलमेट होने वाली, और अब जो फाइट बची है टीम नंबर 16 और टीम नंबर 17 के बीच में 1v2 सिचुएशन। फेक फॉक्सी एक इकलौते खिलाड़ी अपनी टीम के आखिरी उम्मीद, और सामने टीम नंबर 17 के दो प्लेयर्स। यहाँ पे आप चलना चाहूंगा नेक्स्ट टीम की तरफ, देख सकते हैं काफी ज्यादा जल्दी टीम यहाँ पे हेलमेट होते नजर आई। तो भाई लोग 29 लाइक्स भाई, एक लाइक और, सिर्फ एक लाइक की कमी है भाई, कर दो ना यार 30 लाइक्स कंप्लीट कर दो मेरे जान। एस डी नायक टेक डाउन करेंगे टीम नंबर 4 के प्लेयर, यहां पे फाइट करते नजर आएंगे टीम नंबर 4 वर्सेस टीम नंबर 3। लीजिए बूम बम डीबीएस के साथ बूम बम, नेक्स्ट इज आखिरी प्लेयर, एक प्लेयर को डाउन करेंगे, बट सामने से फिर से डीबीएस का पटाखा बड़ा मुंह के ऊपर, डीबीएस का फटका मुंह पे, और अब आंखें खोलेंगी सीधा लॉबी में जाके। टीम नंबर 4 भी हो चुका है टीम नंबर 3 के द्वारा, टोटल 4 फिनिशेस अपने अकाउंट में ऐड करेंगे। देखते हैं 2 फिनिशेस किंग ओपी, एक नायक एंड देन एक स्पाइडर के द्वारा। सो टीम नंबर 3 की भी अच्छी शुरुआत हो चुकी है, खुशकिस्मत रहेंगे एक भी प्लेयर जो इन्होंने अपना गवाया नहीं, एक भी कैजुअल्टी देखने को नहीं मिली टीम नंबर 3 की तरफ से, और अब जल्दी से लूट करके जोन की तरफ जाना पड़ेगा इनको। और भाई लोग फाइनली 30 लाइक्स हो चुके हैं, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द लाइक्स। और भाई जो भी अगर चैट कर रहा है भाई, चैट नहीं पता चल पा रही है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, पता नहीं यूट्यूब के लाइव का पता नहीं क्या ग्लिच है यार, यूट्यूब से ही कर रहा हूं ना लाइव, तो वही ग्लिचेस हैं। चलेंगे लास्ट टीम से, लास्ट टीम को दिखाना चाहूंगा, टीम नंबर 20 की तरफ आ चुके हैं। टीम नंबर 20 के प्लेयर प्लेक्सी को इस बार भाई डाउन किया जाएगा स्टार लॉर्ड की तरफ से। टीम नंबर 18 का खिलाड़ी एक तरह से जो एक सरप्राइज अटैक दिया, लीजिए टीम नंबर 20 आई और टीम नंबर 20 गई। स्टार लॉर्ड का यहाँ पे देख सकते हैं योगदान, 2 फिनिशेस का एक फिनिश दिया गया स्मूथ के द्वारा, टोटल 3 फ्रैग्स हासिल करने टीम नंबर 18 ने। सो इनकी भी शुरुआत हो चुकी है, मोमेंटम हासिल कर लिया टीम नंबर 18 ने भी, टीम नंबर 20 को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देख सकते हैं ये जो आखिरी मैच है यहाँ पे कोई टीम अग्रेशन दिखा रही है और कुछ टीम डिफेंसिव मोड पे खेलते नजर आ रही है, जानते हैं आखिरी मैच है और अपने हिसाब से वो मैच खेलने की कोशिश कर रही है टीम्स। बट मोस्ट ऑफ द फाइट्स हमें देखिए ज्यादातर अग्रेशन ही देखने मिले हमें। टीम नंबर 18 के बाद चलना चाहूंगा नेक्स्ट टीम की तरफ, चलेंगे नेक्स्ट टीम जो कि हमारी टीम नंबर 19, टीम नंबर 19 के आसपास फिलहाल तो कोई टीम नजर नहीं आएगी। टीम नंबर 19 के जो आज का दिन था कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बीता है। जी हाँ, टीम नंबर 19 का जो पहले के मैचेस थे जो मतलब कि प्रीवियस डेज थे वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, बट आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया टीम नंबर 19 के लिए। बट ये मौका है अब इस मैच में कुछ कर दिखाने का, क्या लगता है टीम नंबर 19 कुछ करेगी? फिलहाल तो टीम नंबर 17 की तरफ आ चुका है, लीजिए भाई टीम नंबर 16 को भी एलिमिनेट किया जाएगा। टीम नंबर 17 टोटल 6 फिनिशेस किए हैं, 2 प्लेयर अपने गवाए हैं, नुकसान इनको भी झेलना पड़ा है, बट चलेंगे 2 प्लेयर के साथ अब इनको आगे का सफर तय करना पड़ेगा। सो टीम नंबर 17 के बाद चलना चाहूंगा नेक्स्ट टीम की तरफ, चलेंगे टीम नंबर 14 की तरफ, टीम नंबर 14 की तरफ भी आ चुके हैं टीम नंबर 14 के प्लेयर। यहाँ पे हर एक खिलाड़ी को दिखाएंगे, बट हमें टीम नंबर 14 के प्लेयर्स के पास हमें कुछ देर के लिए ऐसा लगा था कि टीम नंबर 6 थी, बट शायद अब वो फ्रेम से दूर जा चुके, रोटेशन ले रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब आएंगे टीम नंबर 13 की तरफ, टीम नंबर 13 के प्लेयर भी हमारी स्क्रीन पे, टीम नंबर 13 भी 0 फिनिशिंग के साथ। ये वो टीम्स है जो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के साथ, डिफेंसिव प्लानिंग के साथ खेलते नजर आ रही है, पूरा फोकस इनका चिकन डिनर पे, बट लेट्स सी क्या चिकन डिनर कर पाएगी टीम। जोन दिखा दूं आपको, जोन देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा जोन है, मैक्सिमम टीम्स जोन में इस समय एंटर कर चुके हैं गाइस। चलेंगे टीम नंबर 11 की तरफ, टीम नंबर 11 भी 0 फिनिशेस के साथ, कुछ प्लेयर अपनी महंगी गाड़ी में बैठे। वाह यार नाइस, नॉट बैड नॉट बैड। चलो भाई एक चीज करते हैं, एंचो ग्राफिक्स को करेंगे हाई थोड़ा सा, ठीक है भाई ये क्या, डाउनलोड हो रही है भाई, क्या है ये
ये क्या सीन है, क्यों नहीं हो रहा भाई? HD ग्राफिक्स फाइल्स आर रिक्वायर्ड, मैंने डाउनलोड नहीं किया है क्या? हद है ब्रो, चलो ऐसे ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे टीम नंबर 11 की तरफ, टीम नंबर प्लेयर यहाँ पे हमारे सामने हमारी स्क्रीन पे मौजूद, शॉट्स कनेक्ट हुए थे टीम नंबर 6 के द्वारा, दूर से शॉट्स लिए गए थे इनके ऊपर। हमने व्हीकल में बैठ के निकलने की कोशिश करेंगे, एक सेफ स्पॉट पे जाने की कोशिश करेगा खिलाड़ी। भाई क्या सेक्सी साउंड है यार इस व्हीकल की, भाई डॉज की सारी गाड़ियों की सेक्सी साउंड लगी। आपको कौन सी गाड़ी की लगी भाई सेक्सी साउंड? मेरे को एक बुगाटी की लगी, एक डॉज की लगी, तुम्हें कौन कौन सी लगी ये बताना, कमेंट करके बताना। कमेंट तो मेरे को दिखेंगे नहीं बट फिर भी बताना यार। सो इस समय हमारी स्क्रीन पे टीम नंबर 11 देख रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया इस टीम ने, बट क्या इस आखिरी मैच में कमाल का गेम प्ले देखने को मिलेगा इनकी तरफ से, या फिर इनको कोई और टीम रोक देगी इस बार? जोन देख सकते हैं, नेक्स्ट जोन बनने वाला। जी हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट जोन अगले एक मिनट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। चलना चाहेंगे नेक्स्ट टीम की तरफ, चलेंगे टीम नंबर 14 की तरफ। टीम नंबर 14 अभी भी जीरो फिनिशेस के साथ, 11 टीम तो बची हुई है। टीम नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं, टीम नंबर 3 जोन में जाने की कोशिश करेंगे, ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश, वाटर सिटी की तरफ से यहाँ पे ब्रिज जो है क्रॉस करते हुए नजर आएंगे टीम नंबर 3। 4 फिनिशेस, जॉर्ज जो सिटी में वो फाइट को कंफर्म किया था टीम नंबर 4 को एलिमिनेट करके, यहाँ पे 4 फिनिशेस हासिल किए थे और अब जोन में एंटर किया जाएगा टीम नंबर 3 के द्वारा। और यहाँ पे चलना चाहेंगे अब टीम नंबर 15 आई गेस, नहीं टीम नंबर 13 फाइट करते नजर आएंगे, आकाश को टेक डाउन किया जाएगा टीम नंबर 13 वर्सेस टीम नंबर 5। टीम नंबर 5 के दो प्लेयर ऑलरेडी अपने पैरों पे, अपने घुटनों पे आ चुके हैं, आखिरी दो प्लेयर बचे हुए हैं, हनी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सामने टीम नंबर 3 के प्लेयर एक्टर को नॉक कर लीजिए भाई, टीम नंबर 13 का भी खेल समाप्त कर देगा हनी। यहाँ पे देख सकते हैं सोलो 3 फिनिशेस किए हुए, एट्रियन वाइटी 2 फिनिशेस के साथ और एक एक फिनिश जाएगा स्ट्रॉम और भूपिंदर योगी को, टोटल 7 फिनिशेस टीम नंबर 5 के द्वारा भी। तो इस बार इस मैच में टीम नंबर 5 का भी बेहतरीन प्रदर्शन देखने मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो है फॉर्म इन्होंने अपनी पकड़ ली है। सो लेट्स सी टीम नंबर 5 कितनी दूर तक जा पाएगी। टीम नंबर 5 टोटल 7 फिनिशेस के साथ टीम नंबर 13 को एलिमिनेट किया जाएगा और चेनर की रेस से बाहर किया जाएगा उनको। टॉप 10 टीम्स गाइस हमें मिल चुके हैं, तो देख सकते हैं ये पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने, टॉप 10 टीम्स हमारे सामने आ चुकी हैं गाइस। चलेंगे अब नेक्स्ट टीम की तरफ, लास्ट टीम से शो करेंगे, फिर से टीम नंबर 19 की तरफ एक बार जाना चाहेंगे। टीम नंबर 19 फॉर्म के एरिया में मौजूद और लीजिए लियो जॉर्ड की जरूरत थी और इस बार वापस लाया उनको लियो जॉर्ड और आते ही यहां पे इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, एक फिनिश अपनी टीम को दिलवा दिया। सामने टीम वाइटिंग का प्लेयर नॉन्टे जॉर्ड, अच्छा खिलाड़ी है भी, बट इसको भी टेक डाउन किया जाएगा। मैन पावर के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता, 2 फिनिशेस टीम नंबर 14 ने कर ली है और अब आखिरी 2 खिलाड़ी बचे हैं टीम नंबर 18 के। स्टार लॉर्ड यहाँ पे देखते हुए अपने टीममेट की मृत्यु देखते हुए और यहाँ पे टेक डाउन किया जाना चाहिए था और बिल्कुल टेक डाउन किया जाएगा। लीजिए यहाँ पे आई वांट रशियन को टेक डाउन किया जाएगा, अब इस प्लेयर को बेट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे टीम नंबर 18 के खिलाड़ी, क्या अपने टीममेट को बचाया जाएगा? बट यहाँ पे उसी दौरान एक अलग एंगल बनाने की कोशिश करेंगे निंजा बाबा, देख सकते हैं एक अलग स्पॉट पे आ चुके हैं और भाई नॉक 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 अबे कर ले नॉक भाई, नॉक कर, कब करेगा भाई कब करेगा। टीम नंबर 18 देख सकते हैं प्लेयर टी आर स्मूथ डॉट एचपी, लिटरली 1 HP बचा खिलाड़ी, किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया और यहाँ पे नेड है, नेड भाई फिर से किस्मत, भाई क्या डिनर में किस्मत खा के आए गए। टीम नंबर 18 के स्मूथ 2 बार बचे, मौत को झुके टक से वापिस आए खिलाड़ी। टीम नंबर 18 के 2 खिलाड़ी बचे हैं, टीम नंबर 14 पूरी तरह से अग्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने टीममेट को भी बचाया, भाई क्या ही गेम प्ले, क्या ही गेम प्ले, अपने टीममेट को भी बचाया उन्होंने पहले। तो स्टार लॉर्ड ये प्लेयर काफी ज्यादा लो था, हील कर लिया जाएगा, हील अप हो चुका है सामने, बिल्कुल सामने ही टीम नंबर 14 का प्लेयर निंजा बाबा, डैमेज पड़ा प्लेयर को, 40 HP के आसपास बचे खिलाड़ी। स्टार लॉर्ड को क्या चीज का पता है भाई, देख देख उस एरिया में देख भाई, नहीं तो नॉक हो सकता है। स्मोक किया जाएगा, स्मोक का यूज किया जाएगा टीम नंबर 18, टीम नंबर 14 मैन पावर में लो टीम नंबर 18, बट फिर भी हार नहीं मान रही, पूरी कड़ी टक्कर देते हुए टीम नंबर 14 के निंजा बाबा, नेड अगर एक्यूरेट हुआ नेड, बट यहां पे निंजा बाबा के ऊपर नेड किया जाएगा। फिर से चलेंगे भाई टीम नंबर 5 की तरफ जाना चाहूंगा अभी एक बार, बट टीम नंबर 5 चलते हैं टीम नंबर 5 की तरफ। टीम नंबर 5 यहाँ पे देखने को मिले टीम नंबर 3 की तरफ फाइट, नेड्स थ्रोएबल्स का एक्सचेंज किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, नेड से डैमेज हुए हैं एट्रियन वाइटी, नेड से डैमेज हुए खिलाड़ी, अपना एक प्लेयर गवा दिया उन्होंने। जी हाँ भूपिंदर योगी यहाँ बैलमेट हो चुके हैं, फिर से नेड करने की ट्राई करेंगे बट एट्रियन वाइटी फिर से इस बार नेड नहीं कर पाए प्रॉपर और डाउन होंगे। आखिरी 2 प्लेयर बचे हैं हनी, यहाँ पे हनी
हनी बनी हनी आखिरी प्लेयर नायक गॉट अलग एंगल बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे नायक को टेकडाउन की जगह हनी कोशिश पूरी करें, पूरी कोशिश करें। यहाँ पे टीम नंबर 11B आ चुकी है भाई, टीम नंबर 11B यहाँ पे मौके पे चौका मारने के लिए आ चुकी है और शायद से टीम नंबर 5 अब जो है सरवाइव नहीं कर पाएगी। लीजिए टीम नंबर 11 यहाँ पे पूरा फायदा उठा चुकी है थर्ड पार्टी की और टीम नंबर 5 को सीधा और सीधा लॉबी की तरफ भेज दिया गया। यहाँ पे दो टीम एलिमिनेट हो चुकी है, टीम नंबर 5 और टीम नंबर 3, और देख रहे हैं चार फिनिशेस कर लें टीम नंबर 11। तो फाइनली यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है टीम नंबर 11 की इस मैच में। तो भाई लोग आखिरी 6 टीम तक बची हुई है, तो ये रही मार सामने आखिरी 6 टीम्स, टीम नंबर 6 जिन्होंने 0 फिनिशेस किए हैं, टीम नंबर 8 यहाँ पे भी सेम चीज देखने मिलेगी 0 फिनिशेस के साथ। नाउ लेट्स मूव टू टीम नंबर 9, 0 फिनिशेस यहाँ पे देखने मिल रही है। टीम नंबर 11 यहाँ पे फाइनली इन्होंने 4 फिनिशेस अभी किए थे, टीम नंबर 14 तरफ आएंगे, टीम नंबर 14 के 4 फिनिशेस एंड देन टीम नंबर 19 एक फिनिश के साथ। सो यहाँ पे गाइस आखिरी 6 टीम बची हैं और सर्कल एक बार देखिएगा, सर्कल अभी भी उस हिसाब से 6 टीम्स के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा सर्कल है। टीम नंबर 6 क्या इनको पहली जो सफलता मिलेगी या फिर नहीं, या 0 फिनिश के साथ सीधा लॉबी भेजा जाएगा इनको। टीम नंबर 6 को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि इनके आसपास हमें टीम देखने मिलेगी। टीम नंबर 9 के प्लेयर बिल्कुल इनके नजदीक से जाते हुए नजर आएंगे, टीम नंबर 9 ये रहे हमारे सामने, टीममेट्स आ चुके हैं इस एरिया में, फार्म का एरिया देख सकते हैं। एक बार टॉप एंगल से दिखाएंगे आपको, पूरा एरिया दिखाने की कोशिश करूंगा। सामने एक तरफ टीम नंबर 6, टीम नंबर 9, अबे भाई टीम नंबर 6 के एक प्लेयर को नॉक फिनिश किया जाएगा, ऑर्डर को एम्बलमेंट किया जाएगा आई वांट रशियन के द्वारा। टीम नंबर 14 भाई अग्रेशन दिखाने की कोशिश करते हुए अब, जी हाँ 5 फिनिशेस कर लिए और एक भी खिलाड़ी अभी तक गवाया नहीं है उन्होंने, बट इनको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। शॉर्ट्स आए थे जल्दी कवर ढूंढना पड़ेगा, बट उसी दौरान एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा आई वांट रशियन, यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। चलो इनसे पूछेंगे भाई लोग, पता ना नॉक वाले से क्या पूछना होता हमें, आपकी डू इतनी ऊपर क्यों है? ओ भाई किस कदर काली है, तो ये क्या कर रहे हो, आपकी डू इतनी ऊपर क्यों है, आपकी काली डू इतनी ऊपर क्यों है, आई वांट रशियन। यहाँ पे अपने टीममेट को तो रिवाइव दे दिया जाएगा, बट निंजा बाबा अकेले कहाँ पे घूम रहे भैया, निंजा बाबा अकेले पता नहीं कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी अपनाते हो। बट यहाँ पे लियो जॉर्ड भाई, लियो जॉर्ड ये प्लेयर नहीं रुकने वाला है, लियो जॉर्ड एक प्लेयर को डाउन करेगा। आखिरी 6 टीम जोन देख सकते हैं, सर्कल नेक्स्ट सर्कल भी बनने वाला है, ज्यादा समय नहीं है 15 सेकंड्स के अंदर हमें जो है नेक्स्ट सर्कल आप देखने को मिलेगा और टीम नंबर 14 को भी जोन कैप्चर करना पड़ेगा, जोन में एंटर करने की कोशिश, जोन में एंटर किया जाएगा। क्या एक बेहतरीन स्पॉट रहेगा ये भाई, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा स्पॉट नहीं है, काफी ज्यादा ओपन एरिया है और राइट हैंड साइड में इनके टीम नंबर 8 भी है, बट फिलहाल तो लियो जॉर्ड एक छोटे से शैक को कैप्चर करेंगे। सिड मोनोक्वाइटी को टेक डाउन किया जाएगा, व्हीकल से ही रोंद के टेक डाउन किया जाएगा भाई। सलमान खान भी खेल रहे हैं हमारे मैच में, स्पाइक ओजी लीजिए, गाड़ी से नॉक किया था, नॉक और फिनिश भी किया जाएगा उसी से। टीम नंबर 14 का पीओवी दिखाना चाहेंगे, स्पाइक ओजी की तरफ चलेंगे, 3 फिनिशेज इन्होंने किए, 2 फिनिशेज लियो जॉर्ड, एक फिनिश किया हमारे आई वन ट्रेशन के द्वारा, टोटल 6 फिनिशेज इस टीम ने कर लिए। टीम नंबर 8 जस्ट सामने इनके, टीम नंबर 8 के पीओवी की तरफ चलेंगे अब, टीम नंबर 8 0 फिनिशेस के साथ कॉन्करर पुश कर लेगी इस मैच के बाद, पक्का कॉन्करर पुश करेगी टीम नंबर 8। टीम नंबर 6 की तरफ आएंगे, टीम नंबर 6 की भी हालत भाई बिल्कुल खराब हालत, टीम नंबर 6 करने के आई है भाई, यहाँ पे 0 फिनिश और सारे मतलब यानी कि आधे से ज्यादा टीम तो लॉबी में बैठ चुकी है। टीम नंबर 6 के लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे भाई, अब तुम तो भाई बिल्कुल ऐसे सांप ही बन जाओ, बट ये नाइस आउटफिट ब्रो, क्या प्यारी आउटफिट है तुम्हारी। चलो भाई थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं, थोड़ा सा वापिस आना पड़ेगा। टीम नंबर 8 की तरफ आएंगे वापिस, देख सकते हैं 0 फिनिशेस के साथ भाई, इनको कोई बताओ कि फिनिश भी करने पड़ते हैं। टीम नंबर 8 की तरफ आ चुके हैं, टीम नंबर 8 जोन में जाने की कोशिश करेंगे, जोन में जाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है समय इनके लिए, क्या व्हीकल है इनके पास भाई, टीम नंबर 8 के पास तो व्हीकल भी नहीं, और अगर कहीं टीम नंबर 14 उनकी लोकेशन का पता हुआ ना तो भाई वॉट लगने वाली है। रेज के सामने से रशियन आई वन रशियन निकलने की कोशिश करे भाई, रेज मार, अबे मार उसको, नहीं तू रहने दे ब्रो रहने दे। चलेंगे वापिस दे टीम नंबर 9 की तरफ, टीम नंबर 9 ने भी 0 भाई, ये देख रहे हो तुम, ये जो लास्ट में जो टीम सर्वाइव कर रही है ना, मैक्सिमम टीम 0-0 फिनिशेस के साथ है, सिर्फ 2 टीम्स हैं जिन्होंने फिनिशेस किए हैं, वो है टीम नंबर 11 और टीम नंबर 14, बाकी की जो टीम है मैक्सिमम 0-0 फिनिशेस के साथ। तो हमें टीम नंबर 6 के मॉस्कोव 16 जोन के काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, लगभग 50 मीटर की दूरी पे है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्लेयर आराम से जोन में एंटर कर जाएगा।
वापिस चलेंगे टीम नंबर 8 की तरफ। क्या टीम नंबर 8 जोन में एंटर करेगी? जी हाँ, ये भी एंटर कर चुके हैं। अब टीएफएफ अक्षय को टेक डाउन किया जाएगा। अक्षय इस समय नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 9 के द्वारा। मुगीवारा राजा और टीम नंबर 11 के बीच में फाइट। एक प्लेयर को नॉक किया जाएगा, दूसरे प्लेयर पे प्री फाइट देने की कोशिश। एक भी शॉट कनेक्ट नहीं होगी, बट ज्यादा समय तक इस विंडो पे मत रहे, नेड आ सकता है। नेड अगर आया तो मुश्किलें हो जाएंगी आपके लिए। एक तरफ हमें टीम नंबर 8 की भी फाइट देखने मिल रही है टीम नंबर 19 के साथ। जोन और ज्यादा छोटा हो चुका है, देख सकते हैं जोन बिल्कुल छोटा हो चुका है। और निंजा बाबा को भी टेक डाउन किया जाएगा एम एली रेज के द्वारा। हर एक टीम इस समय फाइट करते नजर आ रही है। तो भाई लोग आपको क्या लगता है कौन सी टीम विनर विनर चिकन डिनर लेके जाएगी? आखिरी मैच, फिनाले का आखिरी मैच गाइस। स्पाइक ओजी के द्वारा रेज को अब टेक डाउन किया जाएगा। देख सकते हैं भाई लोग, अब और ज्यादा इंटेंस सिचुएशन बढ़ते चले जा रही है, और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ते चले जा रही है। बट कोई एक टीम ही लेके जाएगी विनर विनर चिकन डिनर। सो लेट्स सी कौन सी टीम बोल लेके जाएगी चिकन डिनर। यहाँ पे अक्षय के द्वारा मुगीवारा राजा को टेक डाउन किया जाएगा, और मुगीवारा राजा के द्वारा यहाँ पे टीम नंबर 11 के एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया था, वीक ओपी को। टीम नंबर 9 का एक खिलाड़ी नॉक पड़ा, बट रिवाइवल मिलता हुआ। नेक्स्ट सर्कल भी बनने वाला। जी हाँ, एक बार चलेंगे अब टीम नंबर 8 के पीओवी की तरफ। टीम नंबर 8 की तरफ चलेंगे। टीम नंबर 8 ने फाइनली एक फिनिश किया, एक दिन का सीएम एक फिनिश के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ। जोन से लगभग 20 मीटर की दूरी पे पीछे से टीम नंबर 19 भी जोन में जाने की कोशिश कर रही है। यहां पे रनिंग व्हीकल से एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा, फिनिश किया जाएगा। दो फिनिशेस अपने अकाउंट में ऐड किए जाएंगे। टीम नंबर 19 के प्लेयर सीधा जोन में जाने की कोशिश करेंगे, बट यूट्यूब माफिया को भी रनिंग व्हीकल से उतारा जाएगा और फिनिश किया जाएगा। बट ये फिनिश, और लीजिए भाई फिनिश कंफर्म करने के चक्कर में हील करना तो भूल ही गए थे। दो खिलाड़ी नॉक, आखिरी दो प्लेयर, आखिरी दो भी नहीं, आखिरी प्लेयर भाई एम एल ई रेज। और लीजिए भाई टीम नंबर 8 भी एलिमिनेट हो चुकी है गाइस, और अब टॉप 3 टीम हमारे सामने। टीम नंबर 9 का अभी तक सिर्फ एक ही फिनिश है, इताची ओमी इताची के द्वारा एक फिनिश किया गया। टीम नंबर 11 जिन्होंने 6 फिनिशेस किए, और सामने टीम नंबर 14 पर लगातार स्प्रे लेने की कोशिश। चलेंगे टीम नंबर 14 की तरफ। टीम नंबर 14 का खिलाड़ी ये रहा हमारी स्क्रीन पे। टीम नंबर 14 ने सबसे ज्यादा समय फिनिशेस निकाले हुए, 9 फिनिशेस किए हुए, बट क्या इस जोन में है? क्या टीम नंबर 14 जोन में है? जी हाँ बिल्कुल जोन में है। जो जोन में नहीं है वो है टीम नंबर 11, और टीम नंबर 9 भी समय जोन में नहीं है। तो भाई लोग क्या लगता है आपको कौन सी टीम चिकन डिनर लेके जाएगी इस लास्ट मैच में, आज रात के आखिरी मैच में कौन सी टीम विनर विनर चिकन डिनर लेके जाएगी? टीम नंबर 11, टीम नंबर 9 और टीम नंबर 14। और यहाँ पे टैक्टिकल आईजल भाई जोन से ही नॉक हो गए, जोन से नॉक हो गए। यहाँ पे स्पाइक को भी टेक डाउन किया जाएगा, स्पाइक को जी समय नॉक हो चुके हैं। इस भाई ऐसे समय पे क्यों नॉक हो रहे हो? यहाँ पे लीजिए अब जो ब्लू जोन भी है श्रिंक करना स्टार्ट कर चुके हैं। जो टीम इस समय जोन में नहीं है उनको जोन में मूव करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो सीधा लॉबी में जाओगे। टीम नंबर 14 के पीओवी की तरफ चलेंगे। टीम नंबर 14 के स्पाइक को जो समय नॉक थे उनको शायद रिवाइव दे दें, मिल जाना चाहिए भाई। जी हाँ, रिवाइव कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे लीजिए टीम नंबर 11 आ चुकी है। ऐसे कैसे ब्रो, टीम नंबर 11 जोन में पहले आए, एंटर किया और वहां पे टीम नंबर 14 के घर में घुस के टीम नंबर 14 को ही बैकफुट पे धकेल दिया समय। टीम नंबर 14 के लियो जॉर्ड पूरी कोशिश करते अपनी टीम को बचाने की, बट क्या बचा पाएगा? टीम नंबर 11 की सिचुएशन पे चलेंगे। यहाँ पे टीम नंबर 11 की सिचुएशन अगर देखा जाए तो इनका भी आखिरी खिलाड़ी है लॉर्ड 777, यहाँ पे आखिरी प्लेयर, और सामने टीम नंबर 14 के लियो जॉर्ड आखिरी प्लेयर। और भाई साहब बिल्कुल सामने था खिलाड़ी, बट एम नहीं हुआ, बिल्कुल भी एम नहीं हुआ। एक टीममेट को बचाने में तो कामयाबी हासिल कर लिया, दूसरे प्लेयर को क्या बचा पाएंगे? देख सकते हैं टीम नंबर 11 लॉर्ड 777 अपने टीममेट को बचाने की कोशिश करेंगे। आखिरी खिलाड़ी है, लॉर्ड को स्पॉट किया जाएगा, और लीजिए टीम नंबर 11 को भी चिकन डिनर की रेस से बाहर किया जाएगा। अब दो टीम बची है, आखिरी दो टीम, टीम नंबर 14 और टीम नंबर 9, एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा। स्पाइक ओजी भाई इतने क्रूशियल टाइम पे नॉक नहीं चाहिए, और यहाँ पे नॉक भाई जवाबी फायर तो दे रही है टीम नंबर 14। लियो जॉर्ड भाई अकेला खतरनाक परफॉर्म करता हुआ, अकेले टीम्स को संभालता हुआ, नेड करता हुआ। एक और नेड, एक प्लेयर को डाउन किया जाएगा। टीम नंबर 9 के नीतीश को भी टेक डाउन किया जाएगा भाई। लियो जॉर्ड सही में जॉर्ड और वॉर्डर लीजिए भाई, 7 फिनिशेज अकेले लियो जॉर्ड के द्वारा भाई। ओ भाई साहब, टोटल 14 फिनिशेज के साथ विनर विनर चिकन डिनर ले चुके टीम नंबर 14। भाई क्या कमाल का गेम प्ले, वंस अगेन टीम नंबर 14 चिकन डिनर हासिल कर चुकी है। भाई लियो जॉर्ड फिर से हीरो बन के उभरे अपनी टीम के लिए।
टोटल 7 फिनिशेस की इन्होंने, लियो जॉर्ड ने 16, उसके बाद स्पाइक ने 4 फिनिशेस करके इनका साथ निभाया, निंजा वावा 2 फिनिशेस और आई वांट रशियन 1 फिनिश के साथ टोटल 14 फिनिशेस नजर आ रहे हैं हमें। तो भाई लोग इसी के साथ हमारे आज रात के सभी मैचेस होते हैं फिनिश, ये रहा रिजल्ट आपके सामने। तो टीम नंबर 14 देख सकते हैं विनर विनर चिकन डिनर ले चुके और पूरे 14 फिनिशेस के साथ, वाह भाई वाह, सब कुछ 14 14, वाह भाई वाह, नाइस वेरी गुड। तो भाई लोग इसी के साथ हमारे आज रात के सभी मैचेस होते हैं फिनिश। तो जो भी समय स्ट्रीम पे, प्लीज़ यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए यार। किसी मेरे भाई की रिक्वेस्ट आई है, एग्री करेंगे भाई हमारे भाइयों की रिक्वेस्ट। अबे ये क्या चल रहा है, क्या कौन सा क्या चल रहा है, बीजीएमआई का सर्वर हो गया क्या डाउन, पता नहीं क्या नशे हैं भाई। तो भाई लोग जो भी स्ट्रीम पे, जल्दी से स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। कितने लाइक्स हो गए, 30 लाइक्स, एट वॉचिंग, फिर से चेक करते हैं वैसे कि कहीं स्ट्रीम दिख रही है, मुश्किल है वैसे। अब तो साले 11 11 वॉचिंग, 5 वॉचिंग वाले भी दिख रहे हैं, वाह भाई वाह, हमारी 8 वॉचिंग और हम नहीं दिख रहे ना इंसाफी है मेरे साथ ये तो ना भाई, कहीं नहीं दिख रहे हम तो। चलो भाई लोग करते हैं स्ट्रीम को एंड, बाय बाय, गुड नाइट, और भाई जाओ तुम लोग भी रोटी वगैरह खाओ मेरी जान, ठीक है ना, करते हैं स्ट्रीम को एंड। ओके गाइस, गुड नाइट।